क्रिस्टियन मिलार से लेकर एलन तक बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, अब रिलीज होंगी ओटीटी पर। पर्दे पर धमाल मचाने के बाद फिल्में जल्द से जल्द अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने लगी है। यहाँ से भी इनकी तगड़ी कमाई होती है। इस फरवरी भी कई साउथ इंडियन फिल्में ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। चलिए जानते हैं कि साउथ की कुछ बेस्ट फिल्मों के बारे में जिन्हें दर्शक इस महीने घर बैठे आराम से ओटीटी पर देख पाएंगे। सद्धप सुपरस्टार वेंकटेश की ये फिल्म 2 फरवरी को रिलीज होगी। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर्या, श्रद्धा श्रीनाथ जैसे स्टार्स हैं। इसे आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। गंटर करम साउथ इंडियन स्टार महेश बाबू की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर आ रही है। त्रिविक्रम श्रीनिवास की मूवी में राम्या कृष्णन, श्रीलीला जयराम, जगपति बाबू, प्रकाश राज जैसे स्टार है। ये 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। कैप्टन मिलार साउथ के सुपरस्टार धनुष की ये मूवी दर्शकों को खूब पसंद आई है। इसमें शिवा राजकुमार, प्रियंका मोहन, अदिति बालन जैसे स्टार्स थे। अरुणा माथेश्वरन की ये मूवी फरवरी के लास्ट में ओटीटी पर आ सकती है। हनुमान बड़े पर्दे पर हुंकार भरे के बाद अब हनुमान ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए की कमाई की थी। Z5 ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हैं। फरवरी के अंत में ये भी उनकी ऐप पर रिलीज हो जाएगी। एलन साउथ के मशहूर डायरेक्टर आर राजकुमार ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन और कुलप्रीत लीड रोल प्ले कर रहे हैं। 16 फरवरी को इस मूवी को ओटीटी पर रिलीज कर दिया जाएगा। शिव कार्तिकेयन ने एक आसमानी एलियन के साथ बनाई मजेदार केमिस्ट्री। जाने कैसी है फिल्म एलन। अपनी पहली फिल्म इंदु नेत्रुनलाय के 8 साल बाद निर्देशकार रवि कुमार की ताकत वैसे ही बनी हुई है। वो एक भारी विषय के हल्के फुल्के उपचार में आनंदित होता है, लेकिन उनकी पहली फिल्म के विपरीत जो एक आकर्षक नाटक में लिपटे कुछ चतुर आश्चर्यों के कारण फिर से देखने लायक है। ये संदिग्ध है कि क्या निर्देशक की दूसरी फिल्म एलान समय की कसौटी पर खरी उतरेगी, क्योंकि ये जोखिम मुक्त और सचेत रूप से परिवार के अनुकूल है। जहां तक एलान की अवधारणा का सवाल है, रवि कुमार उच्च लक्ष्य नहीं रख रहे हैं। एक शत्रुतापूर्ण वैज्ञानिक अपने अधीनस्थ के साथ सत्ता का लालची है, क्योंकि ये एक खतरनाक क्रिस्टल के साथ दुनिया के अंत की साजिश रचने की योजना बना रहे हैं। तमीज, जो अफसरों की तलाश में एक गांव से चेन्नई आता है, मानव जाति का वाक्य लेकर आता है। मिशन को पूरा करने के लिए वो एक विदेशी आगंतुक के हाथ मिल जाता है और वित्तीय बाधाओं और महामारी से जूझ रहे एलान को पुराने फिल्म कहलाने के खतरे का सामना करना पड़ा। और फिल्म की शुरुआत आपको ये आभास देती है कि लंबे समय तक निर्माण में अटके फिल्मों में ताजगी की कमी क्यों हो सकती है। तमीज को एक जानवर और प्रकृति प्रेमी के रूप में दिखाया गया है। दृश्य झटके से बदलते हैं और पारंपरिक लेकिन भूले योग्य परिचय गीत फिल्म को नीचे खींचता है, लेकिन फिर एलियन की बदौलत फिल्म फिर से जीवंत हो उठती है, जो अविवेचक है और उसमें हास्य की एक मजबूत भावना है। एक मासूम और डरपोक आदमी के साथ एक अलौकिक की अजीब दोस्ती आपको राकेश रोशन की कोई मिल गया का याद दिलाती है। दोनों फिल्म एक अप्रत्याशित सुपरहीरो की उद्भव की गवाह है। पहले भाग में रवि कुमार विज्ञान को हास्य के साथ डिकोड करते हैं। यदि इंद्रो नेत्रुनलाय के पास एक इंजीनियर सह आविष्कारक था जो आवाज पहचानने वाली कार बनाता था, तो एलान के पास ऐसे लोग हैं जो अजीब जन्मदिन उपहारों से पैसा कमा रहे हैं। यदि यहाँ इंद्रो नेत्रुनलाय में एक टाइम मशीन गायब हो जाती है, तो नायक एक अंतरिक्ष यान की तलाश में निकाल जाता है। दोनों फिल्में संबंधों का व्यवहार समान है, जिसमें मजाक या वन लाइनर दृश्यों को आगे बढ़ाते हैं। इंद्रो नेत्रुनलाय में एक लेकिन दिलचस्प संघर्ष था और इसमें कोई सितारा शामिल नहीं होने के कारण निर्देशक ने साहसी पटकथा निर्णय लिए, लेकिन एलान में अपने पास एक स्टार के साथ रवि कुमार का लक्ष्य उसे एक बड़ा खेल का मैदान देना है। भले ही खराब निष्पादन के साथ उन्हें अपने नायक पर उतना ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए था जितना कि उन्होंने अपने मूल कथानक पर किया है। वो उसे बिना किसी दिखावे के खलनायकों के खिलाफ खड़ा करता है, लेकिन फिल्म के अधिकांश भाग में ये जिस चीज में सक्षम होने का दावा करते हैं उसमें हमें कोई खतरा नहीं है। एलान भी प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन वीएफएक्स ठोस लगता है। हालांकि जब नाटक में आत्मा की कमी हो तो विशेष प्रभाव हमें बांधे रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। जब ये एक साथ होते हैं तो तमीज और टैटू एक आनंददायक केमिस्ट्री बनाते हैं और कोई भी स्वीट एंड स्लीप स्पीलबर्ग की E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को श्रद्धांजलि के रूप में रिश्ते को खिलते हुए देखना चाहता है। आप चाहते हैं कि निर्देशक उनके इर्द गिर्द पटकथा बुने, लेकिन रवि कुमार उनकी यात्राओं को अलग अलग चित्रित करते हैं और हमें उन दोनों को समान रूप से समझाने में विफल रहते हैं। शिव कार्तिकेयन एक और फिल्म में ईमानदार है जो एक स्टार प्रोजेक्ट के लीक से हटकर लगती है। एक्शन दमदार है, फिर भी ड्रामा डरावना नहीं है और एमी एडम्स स्टारर अराइवल की तरह आपको किनारे पर नहीं रखता है। आपको ये भी एहसास होता है कि निर्देशक नाटक के बीच कुछ नैतिक बातें कहना चाहता है, क्योंकि एलियन मानवता से एक साथ रहने के लिए कहता है। अनंत आज की निरंतर कल्पना के युग में ऐलान की दुनिया बहुत ही सरल लग सकती है। एक दशक पहले पन पे एक संदेश के साथ एक बिगान फाई फिल्म से निपटने के दौरान सीधा टेम्पलेट शायद एंथेरन जैसी फिल्मों द्वारा प्रेरित किया गया था। रोबोट चिट्टी की तरह टैटू भी मासूम है और इंसानों पर भरोसा करते करते थक गया है। ऐलान में एक अग्नि दुर्घटना दृश्य है जो आपको रजनीकांत अभिनीत फिल्म की याद दिलाता है। शंकर की फिल्म अच्छी तरह से विकसित और बेहतर थी, जैसा कि कहा गया है, ठीक उसी तरह से जैसे उस फिल्म को बच्चों से बहुत प्यार मिला था। ऐलान को भी उम्मीद होगी कि इसे युवा दर्शकों का ध्यान मिलेगा जो बड़े पर्दे पर नैतिकता और वीरता को देखने का आनंद लेते हैं। कैप्टन मिलार से लेकर अयालन तक बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, अब रिलीज होंगी OTT पर। पर्दे पर धमाल मचाने के बाद फिल्में जल्द से जल्द अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने लगी है। यहाँ से भी इनकी तगड़ी कमाई होती है। इस फरवरी भी कई साउथ इंडियन फिल्में OTT पर दस्तक देने जा रही है। चलिए जानते हैं कि साउथ की कुछ बेस्ट फिल्मों के बारे में जिन्हें दर्शक इस महीने घर बैठे आराम से OTT पर देख पाएंगे। संदप सुपरस्टार वेंकटेश की ये फिल्म 2 फरवरी को रिलीज होगी। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर्या, श्रद्धा श्रीनाथ जैसे स्टार्स हैं। इसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। गुंटर करम साउथ इंडियन स्टार महेश बाबू की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब OTT पर आ रही है। त्रिविक्रम श्रीनिवास की मूवी में राम्या कृष्णन, श्रीलीला जयराम, जगपति बाबू, प्रकाश राज जैसे स्टार है। ये 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। कैप्टन मिलार साउथ के सुपरस्टार धनुष की ये मूवी दर्शकों को खूब पसंद आई है। इसमें शिवा राजकुमार, प्रियंका मोहन, अदिति बालन जैसे स्टार्स थे। अरुणा माथेश्वरन की ये मूवी फरवरी के लास्ट में OTT पर आ सकती है। हनुमान बड़े पर्दे पर हुंकार भरने के बाद अब हनुमान OTT पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए की कमाई की थी। Z5 ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हैं। फरवरी के अंत में ये भी उनकी ऐप पर रिलीज हो जाएगी। अयालान साउथ के मशहूर डायरेक्टर R राजकुमार ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन और कुलप्रीत लीड रोल प्ले कर रहे हैं। 16 फरवरी को इस मूवी को OTT पर रिलीज कर दिया जाएगा। शिव कार्तिकेयन ने एक आसमानी एलियन के साथ बनाई मजेदार केमिस्ट्री, जाने कैसी है फिल्म। ऐलान अपनी पहली फिल्म इंदु नेत्रुनलाय के 8 साल बाद निर्देशक रवि कुमार की ताकत वैसे ही बनी हुई है। वो एक भारी विषय के हल्के फुल्के उपचार में आनंदित होता है, लेकिन उनकी पहली फिल्म के विपरीत जो एक आकर्षक नाटक में लिपटे कुछ चतुर आश्चर्यों के कारण फिर से देखने लायक है। ये संदिग्ध है कि क्या निर्देशक की दूसरी फिल्म ऐलान समय की कसौटी पर खरी उतरेगी, क्योंकि ये जोखिम मुक्त और सचेत रूप से परिवार के अनुकूल है। जहां तक ऐलान की अवधारणा का सवाल है, रवि कुमार उच्च लक्ष्य नहीं रख रहे हैं। एक शत्रुतापूर्ण वैज्ञानिक अपने अधीनस्थ के साथ सत्ता का लालची है, क्योंकि ये एक खतरनाक क्रिस्टल के साथ दुनिया के अंत की साजिश रचने की योजना बना रहे हैं। तमीज जो अफसरों की तलाश में एक गांव से चेन्नई आता है, मानव जाति का वाक्य लेकर आता है। मिशन को पूरा करने के लिए वो एक विदेशी आगंतुक के हाथ मिल जाता है और वित्तीय बाधाओं और महामारी से जूझ रहे ऐलान को पुरानी फिल्म कहलाने के खतरे का सामना करना पड़ा। और फिल्म की शुरुआत आपको ये आभास देती है कि लंबे समय तक निर्माण में अटके फिल्मों में ताजगी की कमी क्यों हो सकती है? तमीज को एक जानवर प्रकृति प्रेमी के रूप में दिखाया गया है। दृश्य झटके से बदलते हैं और पारंपरिक लेकिन भूले यज्ञ परिचय गीत फिल्म को नीचे खींचता है, लेकिन फिर एलियन की बदौलत फिल्म फिर से जीवंत हो उठती है जो अविवेचक है और उसमें हास्य की एक मजबूत भावना है। एक मासूम और डरपोक आदमी के साथ एक अलौकिक की अजीब दोस्ती आपको राकेश रोशन की कोई मिल गया का याद दिलाती है। दोनों फिल्में एक अप्रत्याशित सुपरहीरो की उद्भव की गवाह है। पहले भाग में रवि कुमार विज्ञान को हास्य के साथ डिकोड करते हैं। यदि इंद्रो नेत्रो नलाई के पास एक इंजीनियर सह आविष्कारक था जो आवाज पहचानने वाली कार बनाता था, तो एलान के पास ऐसे लोग हैं जो अजीब जन्मदिन उपहारों से पैसा कमा रहे हैं। यदि यहाँ इंद्रो नेत्रो नलाई में एक टाइम मशीन गायब हो जाती है तो नायक एक अंतरिक्ष यान की तलाश में निकाल जाता है। दोनों फिल्में संबंधों का व्यवहार समान है जिसमें मजाक या वन लाइनर दृश्यों को आगे बढ़ाते हैं। इंद्रो नेत्रो नलाई में एकल लेकिन दिलचस्प संघर्ष था और इसमें कोई सितारा शामिल नहीं होने के कारण निर्देशक ने साहसी पटकथा निर्णय लिए, लेकिन ऐलान में अपने पास एक स्टार के साथ रवि कुमार का लक्ष्य उसे एक बड़ा खेल का मैदान देना है। भले ही खराब निष्पादन के साथ उन्हें अपने नायक पर उतना ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए था जितना कि उन्होंने अपने मूल कथानक पर किया है। वो उसे बिना किसी दिखावे के खलनायकों के खिलाफ खड़ा करता है, लेकिन फिल्म के अधिकांश भाग में ये जिस चीज में सक्षम होने का दावा करते हैं उसमें हमें कोई खतरा नहीं है। ऐलान भी प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन वीएफएक्स ठोस लगता है। हालांकि जब नाटक में आत्मा की कमी हो तो विशेष प्रभाव हमें बांधे रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। जब ये एक साथ होते हैं तो तमीज और टैटू एक आनंददायक केमिस्ट्री बनाते हैं और कोई भी स्वीट एंड स्लीप स्पीलबर्ग की E.T. द एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल को श्रद्धांजलि के रूप में रिश्ते को खिलते हुए देखना चाहता है। आप चाहते हैं कि निर्देशक उनके इर्द गिर्द पटकथा बुने, लेकिन रवि कुमार उनकी यात्राओं को अलग अलग चित्रित करते हैं और हमें उन दोनों को समान रूप से समझाने में विफल रहते हैं। शिव कार्तिकेयन एक और फिल्म में ईमानदार है जो एक स्टार प्रोजेक्ट के लीक से हटकर लगती है। एक्शन दमदार है, फिर भी ड्रामा डरावना नहीं है और एमी एडम्स स्टारर अराइवल की तरह आपको किनारे पर नहीं रखता है। आपको ये भी एहसास होता है कि निर्देशक नाटक के बीच कुछ नैतिक बातें कहना चाहता है, क्योंकि एलियन मानवता से एक साथ रहने के लिए कहता है। अनंततः आज की निरंतर कल्पना के युग में ऐलान की दुनिया बहुत ही सरल लग सकती है। एक दशक पहले पन पे एक संदेश के साथ एक विज्ञान फाई फिल्म से निपटने के दौरान सीधा टेम्पलेट शायद एंथेरोन जैसी फिल्मों द्वारा प्रेरित किया गया था। रोबोट चिट्टी की तरह टैटू भी मासूम है और इंसानों पर भरोसा करते करते थक गया है। ऐलान में एक अग्नि दुर्घटना दृश्य है जो आपको रजनीकांत अभिनीत फिल्म की याद दिलाता है। शंकर की फिल्म अच्छी तरह से विकसित और बेहतर थी, जैसा कि कहा गया है, ठीक उसी तरह से जैसे उस फिल्म को बच्चों से बहुत प्यार मिला था। ऐलान को भी उम्मीद होगी कि इसे युवा दर्शकों का ध्यान मिलेगा जो बड़े पर्दे पर नैतिकता और वीरता को देखने का आनंद लेते हैं। कैप्टन मिलार से लेकर ऐलान तक बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर। अब रिलीज होंगी OTT पर। पर्दे पर धमाल मचाने के बाद फिल्में जल्द से जल्द अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने लगी है। यहाँ से भी इनकी तगड़ी कमाई होती है। इस फरवरी भी कई साउथ इंडियन फिल्में OTT पर दस्तक देने जा रही है। चलिए जानते हैं कि साउथ की कुछ बेस्ट फिल्मों के बारे में जिन्हें दर्शक इस महीने घर बैठे आराम से OTT पर देख पाएंगे। संदर्भ सुपरस्टार वेंकटेश की ये फिल्म 2 फरवरी को रिलीज होगी। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर्या, श्रद्धा श्रीनाथ जैसे स्टार्स हैं। इसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। गुंटर करम साउथ इंडियन स्टार महेश बाबू की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब OTT पर आ रही है। त्रिविक्रम श्रीनिवास की मूवी में राम्या कृष्णन, श्रीलीला जयराम, जगपति बाबू, प्रकाश राज जैसे स्टार है। ये 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। कैप्टन मिलार साउथ के सुपरस्टार धनुष की ये मूवी दर्शकों को खूब पसंद आई है। इसमें शिवा राजकुमार, प्रियंका मोहन, अदिति बालन जैसे स्टार्स थे। अरुणा माथेश्वरन की ये मूवी फरवरी के लास्ट में OTT पर आ सकती है। हनुमान बड़े पर्दे पर खूंखार भरे के बाद अब हनुमान OTT पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए की कमाई की थी। Zee5 ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हैं। फरवरी के अंत में ये भी उनकी ऐप पर रिलीज हो जाएगी। आयालान साउथ के मशहूर डायरेक्टर R राजकुमार ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन और कुलप्रीत लीड रोल प्ले कर रहे हैं। 16 फरवरी को इस मूवी को OTT पर रिलीज कर दिया जाएगा। शिव कार्तिकेयन ने एक आसमानी एलियन के साथ बनाई मजेदार केमिस्ट्री, जाने कैसी है फिल्म। ऐलान अपनी पहली फिल्म इंदु नेत्रुनलाय के 8 साल बाद निर्देशक रवि कुमार की ताकत वैसे ही बनी हुई है। वो एक भारी विषय के हल्के फुल्के उपचार में आनंदित होता है, लेकिन उनकी पहली फिल्म के विपरीत जो एक आकर्षक नाटक में लिपटे कुछ चतुर आश्चर्यों के कारण फिर से देखने लायक है। ये संदिग्ध है कि क्या निर्देशक की दूसरी फिल्म ऐलान समय की कसौटी पर खरी उतरेगी, क्योंकि ये जोखिम मुक्त और सचेत रूप से परिवार के अनुकूल है। जहां तक ऐलान की अवधारणा का सवाल है, रवि कुमार उच्च लक्ष्य नहीं रख रहे हैं। एक शत्रुतापूर्ण वैज्ञानिक अपने अधीनस्थ के साथ सत्ता का लालची है, क्योंकि ये एक खतरनाक क्रिस्टल के साथ दुनिया के अंत की साजिश रचने की योजना बना रहे हैं। तमीज जो अफसरों की तलाश में एक गांव से चेन्नई आता है, मानव जाति का वाक्य लेकर आता है। मिशन को पूरा करने के लिए वो एक विदेशी आगंतुक के हाथ मिल जाता है और वित्तीय बाधाओं और महामारी से जूझ रहे ऐलान को पुरानी फिल्म कहलाने के खतरे का सामना करना पड़ा। और फिल्म की शुरुआत आपको ये आभास देती है कि लंबे समय तक निर्माण में अटके फिल्मों में ताजगी की कमी क्यों हो सकती है। तमीज को एक जानवर और प्रकृति प्रेमी के रूप में दिखाया गया है। दृश्य झटके से बदलते हैं और पारंपरिक लेकिन भूले योग्य परिचय गीत फिल्म को नीचे खींचता है, लेकिन फिर एलियन की बदौलत फिल्म फिर से जीवंत हो उठती है जो अविवेचक है और उसमें हास्य की एक मजबूत भावना है। एक मासूम और डरपोक आदमी के साथ एक अलौकिक की अजीब दोस्ती आपको राकेश रोशन की कोई मिल गया का याद दिलाती है। दोनों फिल्म एक अप्रत्याशित सुपरहीरो की उद्भव की गवाह है। पहले भाग में रवि कुमार विज्ञान को हास्य के साथ डिकोड करते हैं। यदि इंद्रो नेत्रुनलाय के पास एक इंजीनियर सह आविष्कारक था जो आवाज पहचानने वाली कार बनाता था, तो ऐलान के पास ऐसे लोग हैं जो अजीब जन्मदिन उपहारों से पैसा कमा रहे हैं। यदि यहाँ इंद्रो नेत्रुनलाय में एक टाइम मशीन गायब हो जाती है, तो नायक एक अंतरिक्ष यान की तलाश में निकाल जाता है। दोनों फिल्में संबंधों का व्यवहार समान है, जिसमें मजाक या वन लाइनर दृश्यों को आगे बढ़ाते हैं। इंद्रो नेत्रुनलाय में एकल लेकिन दिलचस्प संघर्ष था और इसमें कोई सितारा शामिल नहीं होने के कारण निर्देशक ने साहसी पटकथा निर्णय लिए, लेकिन ऐलान में अपने पास एक स्टार के साथ रवि कुमार का लक्ष्य उसे एक बड़ा खेल का मैदान देना है। भले ही खराब निष्पादन के साथ उन्हें अपने नायक पर उतना ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए था जितना कि उन्होंने अपने मूल कथानक पर किया है। वो उसे बिना किसी दिखावे के खलनायकों के खिलाफ खड़ा करता है, लेकिन फिल्म के अधिकांश भाग में ये जिस चीज में सक्षम होने का दावा करते हैं उसमें हमें कोई खतरा नहीं है। ऐलान भी प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन वीएफएक्स ठोस लगता है। हालांकि जब नाटक में आत्मा की कमी हो तो विशेष प्रभाव हमें बांधे रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। जब ये एक साथ होते हैं तो तमीज और टैटू एक आनंददायक केमिस्ट्री बनाते हैं और कोई भी स्वीट एंड स्लीप स्पीलबर्ग की E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को श्रद्धांजलि के रूप में रिश्ते को खिलते हुए देखना चाहता है। आप चाहते हैं कि निर्देशक उनके इर्द गिर्द पटकथा बुने, लेकिन रवि कुमार उनकी यात्राओं को अलग अलग चित्रित करते हैं और हमें उन दोनों को समान रूप से समझाने में विफल रहते हैं। शिव कार्तिकेयन एक और फिल्म में ईमानदार है जो एक स्टार प्रोजेक्ट के लीक से हटकर लगती है। एक्शन दमदार है, फिर भी ड्रामा डरावना नहीं है और एमी एडम्स स्टारर अराइवल की तरह आपको किनारे पर नहीं रखता है। आपको ये भी एहसास होता है कि निर्देशक नाटक के बीच कुछ नैतिक बातें कहना चाहता है, क्योंकि एलियन मानवता से एक साथ रहने के लिए कहता है। अनंत आज की निरंतर कल्पना के युग में ऐलान की दुनिया बहुत ही सरल लग सकती है। एक दशक पहले पन पे एक संदेश के साथ एक विज्ञान फाई फिल्म से निपटने के दौरान सीधा टेम्पलेट शायद एंथेरन जैसी फिल्मों द्वारा प्रेरित किया गया था। रोबोट चिट्टी की तरह टैटू भी मासूम है और इंसानों पर भरोसा करते करते थक गया है। ऐलान में एक अग्नि दुर्घटना दृश्य है जो आपको रजनीकांत अभिनीत फिल्म की याद दिलाता है। शंकर की फिल्म अच्छी तरह से विकसित और बेहतर थी, जैसा कि कहा गया है, ठीक उसी तरह से जैसे उस फिल्म को बच्चों से बहुत प्यार मिला था। ऐलान को भी उम्मीद होगी कि इसे युवा दर्शकों का ध्यान मिलेगा जो बड़े पर्दे पर नैतिकता और वीरता को देखने का आनंद लेते हैं। कैप्टन मिलार से लेकर एलान तक बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, अब रिलीज होंगी ओटीटी पर। पर्दे पर धमाल मचाने के बाद फिल्में जल्द से जल्द अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने लगी है। यहाँ से भी इनकी तगड़ी कमाई होती है। इस फरवरी भी कई साउथ इंडियन फिल्में ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। चलिए जानते हैं कि साउथ की कुछ बेस्ट फिल्मों के बारे में जिन्हें दर्शक इस महीने घर बैठे आराम से ओटीटी पर देख पाएंगे। संदप सुपरस्टार वेंकटेश की ये फिल्म 2 फरवरी को रिलीज होगी। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर्या, श्रद्धा श्रीनाथ जैसे स्टार्स हैं। इसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। गंटर करम साउथ इंडियन स्टार महेश बाबू की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर आ रही है। त्रिविक्रम श्रीनिवास की मूवी में राम्या कृष्णन, श्रीलीला जयराम, जगपति बाबू, प्रकाश राज जैसे स्टार है। ये 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। कैप्टन मिलार साउथ के सुपरस्टार धनुष की ये मूवी दर्शकों को खूब पसंद आई है। इसमें शिवा राजकुमार, प्रियंका मोहन, अदिति बालन जैसे स्टार्स थे। अरुणा माथेश्वरन की ये मूवी फरवरी के लास्ट में ओटीटी पर आ सकती है। हनुमान बड़े पर्दे पर हुंकार भरे के बाद अब हनुमान ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए की कमाई की थी। Z5 ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हैं। फरवरी के अंत में ये भी उनकी ऐप पर रिलीज हो जाएगी। आयालान साउथ के मशहूर डायरेक्टर आर राजकुमार ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन और कुलप्रीत लीड रोल प्ले कर रहे हैं। 16 फरवरी को इस मूवी को ओटीटी पर रिलीज कर दिया जाएगा। शिव कार्तिकेयन ने एक आसमानी एलियन के साथ बनाई मजेदार केमिस्ट्री, जाने कैसी है फिल्म। ऐलान अपनी पहली फिल्म इंदु नेत्रुनलाय के 8 साल बाद निर्देशकार रवि कुमार की ताकत वैसे ही बनी हुई है। वो एक भारी विषय के हल्के फुल्के उपचार में आनंदित होता है, लेकिन उनकी पहली फिल्म के विपरीत जो एक आकर्षक नाटक में लिपटे कुछ चतुर आश्चर्यों के कारण फिर से देखने लायक है। ये संदिग्ध है कि क्या निर्देशक की दूसरी फिल्म ऐलान समय की कसौटी पर खरी उतरेगी, क्योंकि ये जोखिम मुक्त और सचेत रूप से परिवार के अनुकूल है। जहां तक ऐलान की अवधारणा का सवाल है, रवि कुमार उच्च लक्ष्य नहीं रख रहे हैं। एक शत्रुतापूर्ण वैज्ञानिक अपने अधीनस्थ के साथ सत्ता का लालची है, क्योंकि ये एक खतरनाक क्रिस्टल के साथ दुनिया के अंत की साजिश रचने की योजना बना रहे हैं। तमीज जो अफसरों की तलाश में एक गांव से चेन्नई आता है, मानव जाति का वाक्य लेकर आता है। मिशन को पूरा करने के लिए वो एक विदेशी आगंतुक के हाथ मिल जाता है और वित्तीय बाधाओं और महामारी से जूझ रहे ऐलान को पुराने फिल्म कहलाने के खतरे का सामना करना पड़ा। और फिल्म की शुरुआत आपको ये आभास देती है कि लंबे समय तक निर्माण में अटके फिल्मों में ताजगी की कमी क्यों हो सकती है। तमीज को एक जानवर और प्रकृति प्रेमी के रूप में दिखाया गया है। दृश्य झटके से बदलते हैं और पारंपरिक लेकिन भूलने योग्य परिचय गीत फिल्म को नीचे खींचता है, लेकिन फिर एलियन की बदौलत फिल्म फिर से जीवंत हो उठती है जो अविवेचक है और उसमें हास्य की एक मजबूत भावना है। एक मासूम और डरपोक आदमी के साथ एक अलौकिक की अजीब दोस्ती आपको राकेश रोशन की कोई मिल गया का याद दिलाती है। दोनों फिल्में एक अप्रत्याशित सुपरहीरो की उद्भव की गवाह है। पहले भाग में रवि कुमार विज्ञान को हास्य के साथ डिकोड करते हैं। यदि इंद्रो नेत्रुनलाय के पास एक इंजीनियर सह आविष्कारक था जो आवाज पहचानने वाली कार बनाता था, तो ऐलान के पास ऐसे लोग हैं जो अजीब जन्मदिन उपहारों से पैसा कमा रहे हैं। यदि यहाँ इंद्रो नेत्रुनलाय में एक टाइम मशीन गायब हो जाती है तो नायक एक अंतरिक्ष यान की तलाश में निकाल जाता है। दोनों फिल्में संबंधों का व्यवहार समान है, जिसमें मजाक या वन लाइनर दृश्यों को आगे बढ़ाते हैं। इंद्रोनेत्रो नलाई में एक एकल लेकिन दिलचस्प संघर्ष था और इसमें कोई सितारा शामिल नहीं होने के कारण निर्देशक ने साहसी पटकथा निर्णय लिए, लेकिन ऐलान में अपने पास एक स्टार के साथ रवि कुमार का लक्ष्य उसे एक बड़ा खेल का मैदान देना है। भले ही खराब निष्पादन के साथ उन्हें अपने नायक पर उतना ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए था जितना कि उन्होंने अपने मूल कथानक पर किया है। वो उसे बिना किसी दिखावे के खलनायकों के खिलाफ खड़ा करता है, लेकिन फिल्म के अधिकांश भाग में ये जिस चीज में सक्षम होने का दावा करते हैं उसमें हमें कोई खतरा नहीं है। ऐलान भी प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन वीएफएक्स ठोस लगता है। हालांकि जब नाटक में आत्मा की कमी हो तो विशेष प्रभाव हमें बांधे रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। जब ये एक साथ होते हैं तो तमीज और टैटू एक आनंददायक केमिस्ट्री बनाते हैं और कोई भी स्वीट एंड स्लीप स्पीलबर्ग की ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को श्रद्धांजलि के रूप में रिश्ते को खिलते हुए देखना चाहता है। आप चाहते हैं कि निर्देशक उनके इर्द गिर्द पटकथा बुने, लेकिन रवि कुमार उनकी यात्राओं को अलग अलग चित्रित करते हैं और हमें उन दोनों को समान रूप से समझाने में विफल रहते हैं। शिव कार्तिकेयन एक और फिल्म में ईमानदार है जो एक स्टार प्रोजेक्ट के लीक से हटकर लगती है। एक्शन दमदार है, फिर भी ड्रामा डरावना नहीं है और एमी एडम्स स्टारर अराइवल की तरह आपको किनारे पर नहीं रखता है। आपको ये भी एहसास होता है कि निर्देशक नाटक के बीच कुछ नैतिक बातें कहना चाहता है, क्योंकि एलियन मानवता से एक साथ रहने के लिए कहता है। अनंत आज की निरंतर कल्पना के युग में ऐलान की दुनिया बहुत ही सरल लग सकती है। एक दशक पहले पनपे एक संदेश के साथ एक विज्ञान फाई फिल्म से निपटने के दौरान सीधा टेम्पलेट शायद एंथेरन जैसी फिल्मों द्वारा प्रेरित किया गया था। रोबोट चिट्टी की तरह टैटू भी मासूम है और इंसानों पर भरोसा करते करते थक गया है। ऐलान में एक अग्नि दुर्घटना दृश्य है जो आपको रजनीकांत अभिनीत फिल्म की याद दिलाता है। शंकर की फिल्म अच्छी तरह से विकसित और बेहतर थी, जैसा कि कहा गया है, ठीक उसी तरह से जैसे उस फिल्म को बच्चों से बहुत प्यार मिला था। ऐलान को भी उम्मीद होगी कि इसे युवा दर्शकों का ध्यान मिलेगा जो बड़े पर्दे पर नैतिकता और वीरता को देखने का आनंद लेते हैं। कैप्टन मिलार से लेकर अयालन तक बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, अब रिलीज होंगी ओटीटी पर। पर्दे पर धमाल मचाने के बाद फिल्में जल्द से जल्द अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने लगी है। यहाँ से भी इनकी तगड़ी कमाई होती है। इस फरवरी भी कई साउथ इंडियन फिल्में ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। चलिए जानते हैं कि साउथ की कुछ बेस्ट फिल्मों के बारे में जिन्हें दर्शक इस महीने घर बैठे आराम से ओटीटी पर देख पाएंगे। संदप सुपरस्टार वेंकटेश की ये फिल्म 2 फरवरी को रिलीज होगी। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर्या, श्रद्धा श्रीनाथ जैसे स्टार्स हैं। इसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। गंटर करम साउथ इंडियन स्टार महेश बाबू की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर आ रही है। त्रिविक्रम श्रीनिवास की मूवी में राम्या कृष्णन, श्रीलीला जयराम, जगपति बाबू, प्रकाश राज जैसे स्टार है। ये 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। कैप्टन मिलार साउथ के सुपरस्टार धनुष की ये मूवी दर्शकों को खूब पसंद आई है। इसमें शिवा राजकुमार, प्रियंका मोहन, अदिति बालन जैसे स्टार्स थे। अरुणा माथेश्वरन की ये मूवी फरवरी के लास्ट में ओटीटी पर आ सकती है। हनुमान बड़े पर्दे पर हुंकार भरे के बाद अब हनुमान ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए की कमाई की थी। Z5 ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हैं। फरवरी के अंत में ये भी उनकी ऐप पर रिलीज हो जाएगी। अयालान साउथ के मशहूर डायरेक्टर आर राजकुमार ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन और कुलप्रीत लीड रोल प्ले कर रहे हैं। 16 फरवरी को इस मूवी को ओटीटी पर रिलीज कर दिया जाएगा। शिव कार्तिकेयन ने एक आसमानी एलियन के साथ बनाई मजेदार केमिस्ट्री, जाने कैसी है फिल्म। ऐलान अपनी पहली फिल्म इंद्रोनेत्रो नलाई के 8 साल बाद निर्देशक रवि कुमार की ताकत वैसे ही बनी हुई है। वो एक भारी विषय के हल्के फुल्के उपचार में आनंदित होता है, लेकिन उनकी पहली फिल्म के विपरीत जो एक आकर्षक नाटक में लिपटे कुछ चतुर आश्चर्यों के कारण फिर से देखने लायक है। ये संदिग्ध है कि क्या निर्देशक की दूसरी फिल्म ऐलान समय की कसौटी पर खरी उतरेगी, क्योंकि ये जोखिम मुक्त और सचेत रूप से परिवार के अनुकूल है। जहां तक ऐलान की अवधारणा का सवाल है। रवि कुमार उच्च लक्ष्य नहीं रख रहे हैं। एक शत्रुतापूर्ण वैज्ञानिक अपने अधीनस्थ के साथ सत्ता का लालची है, क्योंकि ये एक खतरनाक क्रिस्टल के साथ दुनिया के अंत की साजिश रचने की योजना बना रहे हैं। तमीज, जो अफसरों की तलाश में एक गांव से चेन्नई आता है, मानव जाति का वाक्य लेकर आता है। मिशन को पूरा करने के लिए वो एक विदेशी आगंतुक के हाथ मिल जाता है और वित्तीय बाधाओं और महामारी से जूझ रहे ऐलान को पुराने फिल्म कहलाने के खतरे का सामना करना पड़ा। और फिल्म की शुरुआत आपको ये आभास देती है कि लंबे समय तक निर्माण में अटके फिल्मों में ताजगी की कमी क्यों हो सकती है। तमीज को एक जानवर और प्रकृति प्रेमी के रूप में दिखाया गया है। दृश्य झटके से बदलते हैं और पारंपरिक लेकिन भूले योग्य परिचय गीत फिल्म को नीचे खींचता है, लेकिन फिर एलियन की बदौलत फिल्म फिर से जीवंत हो उठती है, जो अविवेचक है और उसमें हास्य की एक मजबूत भावना है। एक मासूम और डरपोक आदमी के साथ एक अलौकिक की अजीब दोस्ती आपको राकेश रोशन की कोई मिल गया का याद दिलाती है। दोनों फिल्म एक अप्रत्याशित सुपरहीरो की उद्भव की गवाह है। पहले भाग में रवि कुमार विज्ञान को हास्य के साथ डिकोड करते हैं। यदि इंद्रो नेत्रो नलाई के पास एक इंजीनियर सह आविष्कारक था जो आवाज पहचानने वाली कार बनाता था, तो ऐलान के पास ऐसे लोग हैं जो अजीब जन्मदिन उपहारों से पैसा कमा रहे हैं। यदि यहाँ इंद्रुनेत्रु नलाय में एक टाइम मशीन गायब हो जाती है, तो नायक एक अंतरिक्ष यान की तलाश में निकाल जाता है। दोनों फिल्में संबंधों का व्यवहार समान है, जिसमें मजाक या वन लाइनर दृश्यों को आगे बढ़ाते हैं। इंद्रुनेत्रु नलाय में एक एकल लेकिन दिलचस्प संघर्ष था और इसमें कोई सितारा शामिल नहीं होने के कारण निर्देशक ने साहसी पटकथा निर्णय लिए, लेकिन ऐलान में अपने पास एक स्टार के साथ रवि कुमार का लक्ष्य उसे एक बड़ा खेल का मैदान देना है। भले ही खराब निष्पादन के साथ उन्हें अपने नायक पर उतना ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए था जितना कि उन्होंने अपने मूल कथानक पर किया है। वो उसे बिना किसी दिखावे के खलनायकों के खिलाफ खड़ा करता है, लेकिन फिल्म के अधिकांश भाग में ये जिस चीज में सक्षम होने का दावा करते हैं उसमें हमें कोई खतरा नहीं है। ऐलान भी प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन वीएफएक्स ठोस लगता है। हालांकि जब नाटक में आत्मा की कमी हो तो विशेष प्रभाव हमें बांधे रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। जब ये एक साथ होते हैं तो तमीज और टैटू एक आनंददायक केमिस्ट्री बनाते हैं और कोई भी स्वीट एंड स्लीप स्पीलबर्ग की ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को श्रद्धांजलि के रूप में रिश्ते को खिलते हुए देखना चाहता है। आप चाहते हैं कि निर्देशक उनके इर्द गिर्द पटकथा बुने, लेकिन रवि कुमार उनकी यात्राओं को अलग अलग चित्रित करते हैं और हमें उन दोनों को समान रूप से समझाने में विफल रहते हैं। शिव कार्तिकेयन एक और फिल्म में ईमानदार है जो एक स्टार प्रोजेक्ट के लीक से हटकर लगती है। एक्शन दमदार है, फिर भी ड्रामा डरावना नहीं है और एमी एडम्स स्टारर अराइवल की तरह आपको किनारे पर नहीं रखता है। आपको ये भी एहसास होता है कि निर्देशक नाटक के बीच कुछ नैतिक बातें कहना चाहता है, क्योंकि एलियन मानवता से एक साथ रहने के लिए कहता है। अनंत आज की निरंतर कल्पना के युग में ऐलान की दुनिया बहुत ही सरल लग सकती है। एक दशक पहले पन पे एक संदेश के साथ एक विज्ञान फाई फिल्म से निपटने के दौरान सीधा टेम्पलेट शायद एंथेरन जैसी फिल्मों द्वारा प्रेरित किया गया था। रोबोट चिट्टी की तरह टैटू भी मासूम है और इंसानों पर भरोसा करते करते थक गया है। ऐलान में एक अग्नि दुर्घटना दृश्य है जो आपको रजनीकांत अभिनीत फिल्म की याद दिलाता है। शंकर की फिल्म अच्छी तरह से विकसित और बेहतर थी, जैसा कि कहा गया है, ठीक उसी तरह से जैसे उस फिल्म को बच्चों से बहुत प्यार मिला था। ऐलान को भी उम्मीद होगी कि इसे युवा दर्शकों का ध्यान मिलेगा जो बड़े पर्दे पर नैतिकता और वीरता को देखने का आनंद लेते हैं। कैप्टन मिलार से लेकर ऐलान तक बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर। अब रिलीज होंगी ओटीटी पर। पर्दे पर धमाल मचाने के बाद फिल्में जल्द से जल्द अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने लगी है। यहाँ से भी इनकी तगड़ी कमाई होती है। इस फरवरी भी कई साउथ इंडियन फिल्में ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। चलिए जानते हैं कि साउथ की कुछ बेस्ट फिल्मों के बारे में जिन्हें दर्शक इस महीने घर बैठे आराम से ओटीटी पर देख पाएंगे। संदप सुपरस्टार वेंकटेश की ये फिल्म 2 फरवरी को रिलीज होगी। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर्या, श्रद्धा श्रीनाथ जैसे स्टार्स हैं। इसे आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। गंटर करम साउथ इंडियन स्टार महेश बाबू की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब OTT पर आ रही है। त्रिविक्रम श्रीनिवास की मूवी में राम्या कृष्णन, श्रीलीला जयराम, जगपति बाबू, प्रकाश राज जैसे स्टार है। ये 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। कैप्टन मिलार साउथ के सुपरस्टार धनुष की ये मूवी दर्शकों को खूब पसंद आई है। इसमें शिवा राजकुमार, प्रियंका मोहन, अदिति बालन जैसे स्टार्स थे। अरुणा माथेश्वरन की ये मूवी फरवरी के लास्ट में OTT पर आ सकती है। हनुमान बड़े पर्दे पर हुंकार भरे के बाद अब हनुमान OTT पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए की कमाई की थी। Zee5 ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हैं। फरवरी के अंत में ये भी उनकी ऐप पर रिलीज हो जाएगी। आयालान साउथ के मशहूर डायरेक्टर R राजकुमार ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन और कुलप्रीत लीड रोल प्ले कर रहे हैं। 16 फरवरी को इस मूवी को OTT पर रिलीज कर दिया जाएगा। शिव कार्तिकेयन ने एक आसमानी एलियन के साथ बनाई मजेदार केमिस्ट्री। जाने कैसी है फिल्म ऐलान। अपनी पहली फिल्म इंदु नेत्रुनलाय के 8 साल बाद निर्देशकार रवि कुमार की ताकत वैसे ही बनी हुई है। वो एक भारी विषय के हल्के फुल्के उपचार में आनंदित होता है, लेकिन उनकी पहली फिल्म के विपरीत जो एक आकर्षक नाटक में लिपटे कुछ चतुर आश्चर्यों के कारण फिर से देखने लायक है। ये संदिग्ध है कि क्या निर्देशक की दूसरी फिल्म ऐलान समय की कसौटी पर खरी उतरेगी, क्योंकि ये जोखिम मुक्त और सचेत रूप से परिवार के अनुकूल है। जहां तक ऐलान की अवधारणा का सवाल है, रवि कुमार उच्च लक्ष्य नहीं रख रहे हैं। एक शत्रुतापूर्ण वैज्ञानिक अपने अधीनस्थ के साथ सत्ता का लालची है, क्योंकि ये एक खतरनाक क्रिस्टल के साथ दुनिया के अंत की साजिश रचने की योजना बना रहे हैं। तमीज, जो अफसरों की तलाश में एक गांव से चेन्नई आता है, मानव जाति का वाक्य लेकर आता है। मिशन को पूरा करने के लिए वो एक विदेशी आगंतुक के हाथ मिल जाता है और वित्तीय बाधाओं और महामारी से जूझ रहे ऐलान को पुराने फिल्म कहलाने के खतरे का सामना करना पड़ा। और फिल्म की शुरुआत आपको ये आभास देती है कि लंबे समय तक निर्माण में अटके फिल्मों में ताजगी की कमी क्यों हो सकती है। तमीज को एक जानवर और प्रकृति प्रेमी के रूप में दिखाया गया है। दृश्य झटके से बदलते हैं और पारंपरिक लेकिन भूले योग्य परिचय गीत फिल्म को नीचे खींचता है, लेकिन फिर एलियन की बदौलत फिल्म फिर से जीवंत हो उठती है, जो अविवेचक है और उसमें हास्य की एक मजबूत भावना है। एक मासूम और डरपोक आदमी के साथ एक अलौकिक की अजीब दोस्ती आपको राकेश रोशन की कोई मिल गया का याद दिलाती है। दोनों फिल्म एक अप्रत्याशित सुपरहीरो की उद्भव की गवाह है। पहले भाग में रवि कुमार विज्ञान को हास्य के साथ डिकोड करते हैं। यदि इंद्रो नेत्रुनलाय के पास एक इंजीनियर सह आविष्कारक था जो आवाज पहचानने वाली कार बनाता था, तो ऐलान के पास ऐसे लोग हैं जो अजीब जन्मदिन उपहारों से पैसा कमा रहे हैं। यदि यहाँ इंद्रो नेत्रुनलाय में एक टाइम मशीन गायब हो जाती है, तो नायक एक अंतरिक्ष यान की तलाश में निकाल जाता है। दोनों फिल्में संबंधों का व्यवहार समान है, जिसमें मजाक या वन लाइनर दृश्यों को आगे बढ़ाते हैं। इंद्रो नेत्रुनलाय में एक लेकिन दिलचस्प संघर्ष था और इसमें कोई सितारा शामिल नहीं होने के कारण निर्देशक ने साहसी पटकथा निर्णय लिए, लेकिन ऐलान में अपने पास एक स्टार के साथ रवि कुमार का लक्ष्य उसे एक बड़ा खेल का मैदान देना है। भले ही खराब निष्पादन के साथ उन्हें अपने नायक पर उतना ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए था जितना कि उन्होंने अपने मूल कथानक पर किया है। वो उसे बिना किसी दिखावे के खलनायकों के खिलाफ खड़ा करता है, लेकिन फिल्म के अधिकांश भाग में ये जिस चीज में सक्षम होने का दावा करते हैं उसमें हमें कोई खतरा नहीं है। ऐलान भी प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन वीएफएक्स ठोस लगता है। हालांकि जब नाटक में आत्मा की कमी हो तो विशेष प्रभाव हमें बांधे रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। जब ये एक साथ होते हैं तो तमीज और टैटू एक आनंददायक केमिस्ट्री बनाते हैं और कोई भी स्वीट एंड स्लीप स्पीलबर्ग की E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को श्रद्धांजलि के रूप में रिश्ते को खिलते हुए देखना चाहता है। आप चाहते हैं कि निर्देशक उनके इर्द गिर्द पटकथा बुने, लेकिन रवि कुमार उनकी यात्राओं को अलग अलग चित्रित करते हैं और हमें उन दोनों को समान रूप से समझाने में विफल रहते हैं। शिव कार्तिकेयन एक और फिल्म में ईमानदार है जो एक स्टार प्रोजेक्ट के लीक से हटकर लगती है। एक्शन दमदार है, फिर भी ड्रामा डरावना नहीं है और एमी एडम्स स्टारर अराइवल की तरह आपको किनारे पर नहीं रखता है। आपको ये भी एहसास होता है कि निर्देशक नाटक के बीच कुछ नैतिक बातें कहना चाहता है, क्योंकि एलियन मानवता से एक साथ रहने के लिए कहता है। अनंत आज की निरंतर कल्पना के युग में ऐलान की दुनिया बहुत ही सरल लग सकती है। एक दशक पहले पन पे एक संदेश के साथ एक विज्ञान फाई फिल्म से निपटने के दौरान सीधा टेम्पलेट शायद एंथेरन जैसी फिल्मों द्वारा प्रेरित किया गया था। रोबोट चिट्टी की तरह टैटू भी मासूम है और इंसानों पर भरोसा करते करते थक गया है। ऐलान में एक अग्नि दुर्घटना दृश्य है जो आपको रजनीकांत अभिनीत फिल्म की याद दिलाता है। शंकर की फिल्म अच्छी तरह से विकसित और बेहतर थी, जैसा कि कहा गया है, ठीक उसी तरह से जैसे उस फिल्म को बच्चों से बहुत प्यार मिला था। ऐलान को भी उम्मीद होगी कि इसे युवा दर्शकों का ध्यान मिलेगा जो बड़े पर्दे पर नैतिकता और वीरता को देखने का आनंद लेते हैं। कैप्टन मिलार से लेकर अयालन तक बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, अब रिलीज होंगी ओटीटी पर। पर्दे पर धमाल मचाने के बाद फिल्में जल्द से जल्द अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने लगी है। यहाँ से भी इनकी तगड़ी कमाई होती है। इस फरवरी भी कई साउथ इंडियन फिल्में ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। चलिए जानते हैं कि साउथ की कुछ बेस्ट फिल्मों के बारे में जिन्हें दर्शक इस महीने घर बैठे आराम से ओटीटी पर देख पाएंगे। संदप सुपरस्टार वेंकटेश की ये फिल्म 2 फरवरी को रिलीज होगी। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर्या, श्रद्धा श्रीनाथ जैसे स्टार्स हैं। इसे आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। गुंटर करम साउथ इंडियन स्टार महेश बाबू की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर आ रही है। त्रिविक्रम श्रीनिवास की मूवी में राम्या कृष्णन, श्रीलीला जयराम, जगपति बाबू, प्रकाश राज जैसे स्टार है। ये 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। कैप्टन मिलार साउथ के सुपरस्टार धनुष की ये मूवी दर्शकों को खूब पसंद आई है। इसमें शिवा राजकुमार, प्रियंका मोहन, अदिति बालन जैसे स्टार्स थे। अरुणा माथेश्वरन की ये मूवी फरवरी के लास्ट में ओटीटी पर आ सकती है। हनुमान बड़े पर्दे पर हुंकार भरने के बाद अब हनुमान ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए की कमाई की थी। Z5 ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हैं। फरवरी के अंत में ये भी उनकी ऐप पर रिलीज हो जाएगी। अयालान साउथ के मशहूर डायरेक्टर आर राजकुमार ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन और कुलप्रीत लीड रोल प्ले कर रहे हैं। 16 फरवरी को इस मूवी को ओटीटी पर रिलीज कर दिया जाएगा। शिव कार्तिकेयन ने एक आसमानी एलियन के साथ बनाई मजेदार केमिस्ट्री, जाने कैसी है फिल्म। ऐलान अपनी पहली फिल्म इंदु नेत्रुनलाय के 8 साल बाद निर्देशक रवि कुमार की ताकत वैसे ही बनी हुई है। वो एक भारी विषय के हल्के फुल्के उपचार में आनंदित होता है, लेकिन उनकी पहली फिल्म के विपरीत जो एक आकर्षक नाटक में लिपटे कुछ चतुर आश्चर्यों के कारण फिर से देखने लायक है। ये संदिग्ध है कि क्या निर्देशक की दूसरी फिल्म ऐलान समय की कसौटी पर खरी उतरेगी, क्योंकि ये जोखिम मुक्त और सचेत रूप से परिवार के अनुकूल है। जहां तक ऐलान की अवधारणा का सवाल है, रवि कुमार उच्च लक्ष्य नहीं रख रहे हैं। एक शत्रुतापूर्ण वैज्ञानिक अपने अधीनस्थ के साथ सत्ता का लालची है, क्योंकि ये एक खतरनाक क्रिस्टल के साथ दुनिया के अंत की साजिश रचने की योजना बना रहे हैं। तमीज जो अफसरों की तलाश में एक गांव से चेन्नई आता है, मानव जाति का वाक्य लेकर आता है। मिशन को पूरा करने के लिए वो एक विदेशी आगंतुक के हाथ मिल जाता है और वित्तीय बाधाओं और महामारी से जूझ रहे ऐलान को पुराने फिल्म कहलाने के खतरे का सामना करना पड़ा। और फिल्म की शुरुआत आपको ये आभास देती है कि लंबे समय तक निर्माण में अटके फिल्मों में ताजगी की कमी क्यों हो सकती है। तमीज को एक जानवर और प्रकृति प्रेमी के रूप में दिखाया गया है। दृश्य झटके से बदलते हैं और पारंपरिक लेकिन भूलने योग्य परिचय गीत फिल्म को नीचे खींचता है, लेकिन फिर एलियन की बदौलत फिल्म फिर से जीवंत हो उठती है जो अविवेचक है और उसमें हास्य की एक मजबूत भावना है। एक मासूम और डरपोक आदमी के साथ एक अलौकिक की अजीब दोस्ती आपको राकेश रोशन की कोई मिल गया का याद दिलाती है। दोनों फिल्में का प्रत्याशित सुपरहीरो की उद्भव की गवाह है। पहले भाग में रवि कुमार विज्ञान को हास्य के साथ डिकोड करते हैं। यदि इंद्रो नेत्रो नलाई के पास एक इंजीनियर सह आविष्कारक था जो आवाज पहचानने वाली कार बनाता था, तो एलान के पास ऐसे लोग हैं जो अजीब जन्मदिन उपहारों से पैसा कमा रहे हैं। यदि यहाँ इंद्रो नेत्रो नलाई में एक टाइम मशीन गायब हो जाती है तो नायक एक अंतरिक्ष यान की तलाश में निकाल जाता है। दोनों फिल्में संबंधों का व्यवहार समान है जिसमें मजाक या वन लाइनर दृश्यों को आगे बढ़ाते हैं। इंद्रो नेत्रो नलाई में एकल लेकिन दिलचस्प संघर्ष था और इसमें कोई सितारा शामिल नहीं होने के कारण निर्देशक ने साहसी पटकथा निर्णय लिए, लेकिन ऐलान में अपने पास एक स्टार के साथ रवि कुमार का लक्ष्य उसे एक बड़ा खेल का मैदान देना है। भले ही खराब निष्पादन के साथ उन्हें अपने नायक पर उतना ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए था जितना कि उन्होंने अपने मूल कथानक पर किया है। वो उसे बिना किसी दिखावे के खलनायकों के खिलाफ खड़ा करता है, लेकिन फिल्म के अधिकांश भाग में ये जिस चीज में सक्षम होने का दावा करते हैं उसमें हमें कोई खतरा नहीं है। ऐलान भी प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन वीएफएक्स ठोस लगता है। हालांकि जब नाटक में आत्मा की कमी हो तो विशेष प्रभाव हमें बांधे रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। जब ये एक साथ होते हैं तो तमीज और टैटू एक आनंददायक केमिस्ट्री बनाते हैं और कोई भी स्वीट एंड स्लीप स्पीलबर्ग की E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को श्रद्धांजलि के रूप में रिश्ते को खिलते हुए देखना चाहता है। आप चाहते हैं कि निर्देशक उनके इर्द गिर्द पटकथा बुने, लेकिन रवि कुमार उनकी यात्राओं को अलग अलग चित्रित करते हैं और हमें उन दोनों को समान रूप से समझाने में विफल रहते हैं। शिव कार्तिकेयन एक और फिल्म में ईमानदार है जो एक स्टार प्रोजेक्ट के लीक से हटकर लगती है। एक्शन दमदार है, फिर भी ड्रामा डरावना नहीं है और एमी एडम्स स्टारर अराइवल की तरह आपको किनारे पर नहीं रखता है। आपको ये भी एहसास होता है कि निर्देशक नाटक के बीच कुछ नैतिक बातें कहना चाहता है, क्योंकि एलियन मानवता से एक साथ रहने के लिए कहता है। अनंतः आज की निरंतर कल्पना के युग में ऐलान की दुनिया बहुत ही सरल लग सकती है। एक दशक पहले पन पे एक संदेश के साथ एक विज्ञान फाई फिल्म से निपटने के दौरान सीधा टेम्पलेट शायद एंथेरॉन जैसी फिल्मों द्वारा प्रेरित किया गया था। रोबोट चिट्टी की तरह टैटू भी मासूम है और इंसानों पर भरोसा करते करते थक गया है। ऐलान में एक अग्नि दुर्घटना दृश्य है जो आपको रजनीकांत अभिनीत फिल्म की याद दिलाता है। शंकर की फिल्म अच्छी तरह से विकसित और बेहतर थी, जैसा कि कहा गया है, ठीक उसी तरह से जैसे उस फिल्म को बच्चों से बहुत प्यार मिला था। ऐलान को भी उम्मीद होगी कि इसे युवा दर्शकों का ध्यान मिलेगा जो बड़े पर्दे पर नैतिकता और वीरता को देखने का आनंद लेते हैं। कैप्टन मिलार से लेकर ऐलान तक बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर। अब रिलीज होंगी OTT पर। पर्दे पर धमाल मचाने के बाद फिल्में जल्द से जल्द अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने लगी है। यहाँ से भी इनकी तगड़ी कमाई होती है। इस फरवरी भी कई साउथ इंडियन फिल्में OTT पर दस्तक देने जा रही है। चलिए जानते हैं कि साउथ की कुछ बेस्ट फिल्मों के बारे में जिन्हें दर्शक इस महीने घर बैठे आराम से OTT पर देख पाएंगे। संदर्भ सुपरस्टार वेंकटेश की ये फिल्म 2 फरवरी को रिलीज होगी। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर्या, श्रद्धा श्रीनाथ जैसे स्टार्स हैं। इसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। गुंटर करम साउथ इंडियन स्टार महेश बाबू की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब OTT पर आ रही है। त्रिविक्रम श्रीनिवास की मूवी में राम्या कृष्णन, श्रीलीला जयराम, जगपति बाबू, प्रकाश राज जैसे स्टार है। ये 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। कैप्टन मिलार साउथ के सुपरस्टार धनुष की ये मूवी दर्शकों को खूब पसंद आई है। इसमें शिवा राजकुमार, प्रियंका मोहन, अदिति बालन जैसे स्टार्स थे। अरुणा माथेश्वरन की ये मूवी फरवरी के लास्ट में OTT पर आ सकती है। हनुमान बड़े पर्दे पर हुंकार भरे के बाद अब हनुमान OTT पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए की कमाई की थी। Zee5 ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हैं। फरवरी के अंत में ये भी उनकी ऐप पर रिलीज हो जाएगी। ऐलान साउथ के मशहूर डायरेक्टर R. राजकुमार ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन और कुलप्रीत लीड रोल प्ले कर रहे हैं। 16 फरवरी को इस मूवी को OTT पर रिलीज कर दिया जाएगा। शिव कार्तिकेयन ने एक आसमानी एलियन के साथ बनाई मजेदार केमिस्ट्री, जाने कैसी है फिल्म। ऐलान अपनी पहली फिल्म इंदु नेत्रुनलाय के 8 साल बाद निर्देशकार रवि कुमार की ताकत वैसे ही बनी हुई है। वो एक भारी विषय के हल्के फुल्के उपचार में आनंदित होता है, लेकिन उनकी पहली फिल्म के विपरीत जो एक आकर्षक नाटक में लिपटे कुछ चतुर आश्चर्यों के कारण फिर से देखने लायक है। ये संदिग्ध है कि क्या निर्देशक की दूसरी फिल्म ऐलान समय की कसौटी पर खरी उतरेगी, क्योंकि ये जोखिम मुक्त और सचेत रूप से परिवार के अनुकूल है। जहां तक ऐलान की अवधारणा का सवाल है, रवि कुमार उच्च लक्ष्य नहीं रख रहे हैं। एक शत्रुतापूर्ण वैज्ञानिक अपने अधीनस्थ के साथ सत्ता का लालची है, क्योंकि ये एक खतरनाक क्रिस्टल के साथ दुनिया के अंत की साजिश रचने की योजना बना रहे हैं। तमीज जो अफसरों की तलाश में एक गांव से चेन्नई आता है, मानव जाति का वाक्य लेकर आता है। मिशन को पूरा करने के लिए वो एक विदेशी आगंतुक के हाथ मिल जाता है और वित्तीय बाधाओं और महामारी से जूझ रहे ऐलान को पुरानी फिल्म कहलाने के खतरे का सामना करना पड़ा। और फिल्म की शुरुआत आपको ये आभास देती है कि लंबे समय तक निर्माण में अटके फिल्मों में ताजगी की कमी क्यों हो सकती है। तमीज को एक जानवर और प्रकृति प्रेमी के रूप में दिखाया गया है। दृश्य झटके से बदलते हैं और पारंपरिक लेकिन भूले योग्य परिचय गीत फिल्म को नीचे खींचता है, लेकिन फिर एलियन की बदौलत फिल्म फिर से जीवंत हो उठती है जो अविवेचक है और उसमें हास्य की एक मजबूत भावना है। एक मासूम और डरपोक आदमी के साथ एक अलौकिक की अजीब दोस्ती आपको राकेश रोशन की कोई मिल गया का याद दिलाती है। दोनों फिल्म एक अप्रत्याशित सुपरहीरो की उद्भव की गवाह है। पहले भाग में रवि कुमार विज्ञान को हास्य के साथ डिकोड करते हैं। यदि इंद्रो नेत्रुनलाय के पास एक इंजीनियर सह आविष्कारक था जो आवाज पहचानने वाली कार बनाता था, तो ऐलान के पास ऐसे लोग हैं जो अजीब जन्मदिन उपहारों से पैसा कमा रहे हैं। यदि यहाँ इंद्रो नेत्रुनलाय में एक टाइम मशीन गायब हो जाती है तो नायक एक अंतरिक्ष यान की तलाश में निकाल जाता है। दोनों फिल्में संबंधों का व्यवहार समान है, जिसमें मजाक या वन लाइनर दृश्यों को आगे बढ़ाते हैं। इंद्रो नेत्रुनलाय में एकल लेकिन दिलचस्प संघर्ष था और इसमें कोई सितारा शामिल नहीं होने के कारण निर्देशक ने साहसी पटकथा निर्णय लिए, लेकिन ऐलान में अपने पास एक स्टार के साथ रवि कुमार का लक्ष्य उसे एक बड़ा खेल का मैदान देना है। भले ही खराब निष्पादन के साथ उन्हें अपने नायक पर उतना ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए था जितना कि उन्होंने अपने मूल कथानक पर किया है। वो उसे बिना किसी दिखावे के खलनायकों के खिलाफ खड़ा करता है, लेकिन फिल्म के अधिकांश भाग में ये जिस चीज में सक्षम होने का दावा करते हैं उसमें हमें कोई खतरा नहीं है। ऐलान भी प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन वीएफएक्स ठोस लगता है। हालांकि जब नाटक में आत्मा की कमी हो तो विशेष प्रभाव हमें बांधे रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। जब ये एक साथ होते हैं तो तमीज और टैटू एक आनंददायक केमिस्ट्री बनाते हैं और कोई भी स्वीट एंड स्लीप स्पीलबर्ग की E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को श्रद्धांजलि के रूप में रिश्ते को खिलते हुए देखना चाहता है। आप चाहते हैं कि निर्देशक उनके इर्द गिर्द पटकथा बुने, लेकिन रवि कुमार उनकी यात्राओं को अलग अलग चित्रित करते हैं और हमें उन दोनों को समान रूप से समझाने में विफल रहते हैं। शिव कार्तिकेयन एक और फिल्म में ईमानदार है जो एक स्टार प्रोजेक्ट के लीक से हटकर लगती है। एक्शन दमदार है, फिर भी ड्रामा डरावना नहीं है और एमी एडम्स स्टारर अराइवल की तरह आपको किनारे पर नहीं रखता है। आपको ये भी एहसास होता है कि निर्देशक नाटक के बीच कुछ नैतिक बातें कहना चाहता है, क्योंकि एलियन मानवता से एक साथ रहने के लिए कहता है। अनंत आज की निरंतर कल्पना के युग में ऐलान की दुनिया बहुत ही सरल लग सकती है। एक दशक पहले पन पे एक संदेश के साथ एक विज्ञान फाई फिल्म से निपटने के दौरान सीधा टेम्पलेट शायद एंथेरन जैसी फिल्मों द्वारा प्रेरित किया गया था। रोबोट चिट्टी की तरह टैटू भी मासूम है और इंसानों पर भरोसा करते करते थक गया है। ऐलान में एक अग्नि दुर्घटना दृश्य है जो आपको रजनीकांत अभिनीत फिल्म की याद दिलाता है। शंकर की फिल्म अच्छी तरह से विकसित और बेहतर थी, जैसा कि कहा गया है। ठीक उसी तरह से जैसे उस फर्म को बच्चों से बहुत प्यार मिला था। ऐलान को भी उम्मीद होगी कि इसे युवा दर्शकों का ध्यान मिलेगा जो बड़े पर्दे पर नैतिकता और वीरता को देखने का आनंद लेते हैं। कैप्टन मिलार से लेकर एलान तक बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, अब रिलीज होंगी ओटीटी पर। पर्दे पर धमाल मचाने के बाद फिल्में जल्द से जल्द अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने लगी है। यहाँ से भी इनकी तगड़ी कमाई होती है। इस फरवरी भी कई साउथ इंडियन फिल्में ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। चलिए जानते हैं कि साउथ की कुछ बेस्ट फिल्मों के बारे में जिन्हें दर्शक इस महीने घर बैठे आराम से ओटीटी पर देख पाएंगे। संदप सुपरस्टार वेंकटेश की ये फिल्म 2 फरवरी को रिलीज होगी। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर्या, श्रद्धा श्रीनाथ जैसे स्टार्स हैं। इसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। गंटर करम साउथ इंडियन स्टार महेश बाबू की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर आ रही है। त्रिविक्रम श्रीनिवास की मूवी में राम्या कृष्णन, श्रीलीला जयराम, जगपति बाबू, प्रकाश राज जैसे स्टार है। ये 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। कैप्टन मिलार साउथ के सुपरस्टार धनुष की ये मूवी दर्शकों को खूब पसंद आई है। इसमें शिवा राजकुमार, प्रियंका मोहन, अदिति बालन जैसे स्टार्स थे। अरुणा माथेश्वरन की ये मूवी फरवरी के लास्ट में ओटीटी पर आ सकती है। हनुमान बड़े पर्दे पर हुंकार भरे के बाद अब हनुमान ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए की कमाई की थी। Z5 ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हैं। फरवरी के अंत में ये भी उनकी ऐप पर रिलीज हो जाएगी। एलान साउथ के मशहूर डायरेक्टर आर राजकुमार ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन और कुलप्रीत लीड रोल प्ले कर रहे हैं। 16 फरवरी को इस मूवी को ओटीटी पर रिलीज कर दिया जाएगा। शिव कार्तिकेयन ने एक आसमानी एलियन के साथ बनाई मजेदार केमिस्ट्री। जाने कैसी है फिल्म एलान। अपनी पहली फिल्म इंदु नेत्रुनलाय के 8 साल बाद निर्देशकार रवि कुमार की ताकत वैसे ही बनी हुई है। वो एक भारी विषय के हल्के फुल्के उपचार में आनंदित होता है, लेकिन उनकी पहली फिल्म के विपरीत जो एक आकर्षक नाटक में लिपटे कुछ चतुर आश्चर्यों के कारण फिर से देखने लायक है। ये संदिग्ध है कि क्या निर्देशक की दूसरी फिल्म एलान समय की कसौटी पर खरी उतरेगी, क्योंकि ये जोखिम मुक्त और सचेत रूप से परिवार के अनुकूल है। जहां तक एलान की अवधारणा का सवाल है, रवि कुमार उच्च लक्ष्य नहीं रख रहे हैं। एक शत्रुतापूर्ण वैज्ञानिक अपने अधीनस्थ के साथ सत्ता का लालची है, क्योंकि ये एक खतरनाक क्रिस्टल के साथ दुनिया के अंत की साजिश रचने की योजना बना रहे हैं। तमीज जो अफसरों की तलाश में एक गांव से चेन्नई आता है, मानव जाति का वाक्य लेकर आता है। मिशन को पूरा करने के लिए वो एक विदेशी आगंतुक के हाथ मिल जाता है और वित्तीय बाधाओं और महामारी से जूझ रहे एलान को पुराने फिल्म कहलाने के खतरे का सामना करना पड़ा। और फिल्म की शुरुआत आपको ये आभास देती है कि लंबे समय तक निर्माण में अटके फिल्मों में ताजगी की कमी क्यों हो सकती है। तमीज को एक जानवर और प्रकृति प्रेमी के रूप में दिखाया गया है। दृश्य झटके से बदलते हैं और पारंपरिक लेकिन भूलने योग्य परिचय गीत फिल्म को नीचे खींचता है, लेकिन फिर एलियन की बदौलत फिल्म फिर से जीवंत हो उठती है जो अविवेचक है और उसमें हास्य की एक मजबूत भावना है। एक मासूम और डरपोक आदमी के साथ एक अलौकिक की अजीब दोस्ती आपको राकेश रोशन की कोई मिल गया का याद दिलाती है। दोनों फिल्म एक अप्रत्याशित सुपरहीरो की उद्भव की गवाह है। पहले भाग में रवि कुमार विज्ञान को हास्य के साथ डिकोड करते हैं। यदि इंद्रो नेत्रुनलाय के पास एक इंजीनियर सह आविष्कारक था जो आवाज पहचानने वाली कार बनाता था, तो एलान के पास ऐसे लोग हैं जो अजीब जन्मदिन उपहारों से पैसा कमा रहे हैं। यदि यहाँ इंद्रो नेत्रुनलाय में एक टाइम मशीन गायब हो जाती है तो नायक एक अंतरिक्ष यान की तलाश में निकाल जाता है। दोनों फिल्में संबंधों का व्यवहार समान है, जिसमें मजाक या वन लाइनर दृश्यों को आगे बढ़ाते हैं। इंद्रो नेत्रुनलाय में एकल लेकिन दिलचस्प संघर्ष था और इसमें कोई सितारा शामिल नहीं होने के कारण निर्देशक ने साहसी पटकथा निर्णय लिए, लेकिन एलान में अपने पास एक स्टार के साथ रवि कुमार का लक्ष्य उसे एक बड़ा खेल का मैदान देना है। भले ही खराब निष्पादन के साथ उन्हें अपने नायक पर उतना ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए था जितना कि उन्होंने अपने मूल कथानक पर किया है। वो उसे बिना किसी दिखावे के खलनायकों के खिलाफ खड़ा करता है, लेकिन फिल्म के अधिकांश भाग में ये जिस चीज में सक्षम होने का दावा करते हैं उसमें हमें कोई खतरा नहीं है। ऐलान भी प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन वीएफएक्स ठोस लगता है। हालांकि जब नाटक में आत्मा की कमी हो तो विशेष प्रभाव हमें बांधे रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। जब ये एक साथ होते हैं तो तमीज और टैटू एक आनंददायक केमिस्ट्री बनाते हैं, और कोई भी स्वीट एंड स्लीप स्पीलबर्ग की ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को श्रद्धांजलि के रूप में रिश्ते को खिलते हुए देखना चाहता है। आप चाहते हैं कि निर्देशक उनके इर्द गिर्द पटकथा बुने, लेकिन रवि कुमार उनकी यात्राओं को अलग अलग चित्रित करते हैं और हमें उन दोनों को समान रूप से समझाने में विफल रहते हैं। शिव कार्तिकेयन एक और फिल्म में ईमानदार है जो एक स्टार प्रोजेक्ट के लीक से हटकर लगती है। एक्शन दमदार है, फिर भी ड्रामा डरावना नहीं है, और एमी एडम्स स्टारर अराइवल की तरह आपको किनारे पर नहीं रखता है। आपको ये भी एहसास होता है कि निर्देशक नाटक के बीच कुछ नैतिक बातें कहना चाहता है, क्योंकि एलियन मानवता से एक साथ रहने के लिए कहता है। अनंत आज की निरंतर कल्पना के युग में ऐलान की दुनिया बहुत ही सरल लग सकती है। एक दशक पहले पनपे एक संदेश के साथ एक विज्ञान फाई फिल्म से निपटने के दौरान सीधा टेम्पलेट शायद एंथेरन जैसी फिल्मों द्वारा प्रेरित किया गया था। रोबोट चिट्टी की तरह टैटू भी मासूम है और इंसानों पर भरोसा करते करते थक गया है। ऐलान में एक अग्नि दुर्घटना दृश्य है जो आपको रजनीकांत अभिनीत फिल्म की याद दिलाता है। शंकर की फिल्म अच्छी तरह से विकसित और बेहतर थी, जैसा कि कहा गया है, ठीक उसी तरह से जैसे उस फिल्म को बच्चों से बहुत प्यार मिला था। ऐलान को भी उम्मीद होगी कि इसे युवा दर्शकों का ध्यान मिलेगा जो बड़े पर्दे पर नैतिकता और वीरता को देखने का आनंद लेते हैं। कैप्टन मिलार से लेकर एलन तक बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, अब रिलीज होंगी ओटीटी पर। पर्दे पर धमाल मचाने के बाद फिल्में जल्द से जल्द अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने लगी है। यहाँ से भी इनकी तगड़ी कमाई होती है। इस फरवरी भी कई साउथ इंडियन फिल्में ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। चलिए जानते हैं कि साउथ की कुछ बेस्ट फिल्मों के बारे में जिन्हें दर्शक इस महीने घर बैठे आराम से ओटीटी पर देख पाएंगे। संदप सुपरस्टार वेंकटेश की ये फिल्म 2 फरवरी को रिलीज होगी। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर्या, श्रद्धा श्रीनाथ जैसे स्टार्स हैं। इसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। गंटर करम साउथ इंडियन स्टार महेश बाबू की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर आ रही है। त्रिविक्रम श्रीनिवास की मूवी में राम्या कृष्णन, श्रीलीला जयराम, जगपति बाबू, प्रकाश राज जैसे स्टार है। ये 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। कैप्टन मिलार साउथ के सुपरस्टार धनुष की ये मूवी दर्शकों को खूब पसंद आई है। इसमें शिवा राजकुमार, प्रियंका मोहन, अदिति बालन जैसे स्टार्स थे। अरुणा माथेश्वरन की ये मूवी फरवरी के लास्ट में ओटीटी पर आ सकती है। हनुमान बड़े पर्दे पर हुंकार भरे के बाद अब हनुमान ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए की कमाई की थी। Z5 ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हैं। फरवरी के अंत में ये भी उनकी ऐप पर रिलीज हो जाएगी। ऐलान साउथ के मशहूर डायरेक्टर आर राजकुमार ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन और कुलप्रीत लीड रोल प्ले कर रहे हैं। 16 फरवरी को इस मूवी को ओटीटी पर रिलीज कर दिया जाएगा। शिव कार्तिकेयन ने एक आसमानी एलियन के साथ बनाई मजेदार केमिस्ट्री। जाने कैसी है फिल्म ऐलान। अपनी पहली फिल्म इंदु नेत्रुनलाय के 8 साल बाद निर्देशक रवि कुमार की ताकत वैसे ही बनी हुई है। वो एक भारी विषय के हल्के फुल्के उपचार में आनंदित होता है, लेकिन उनकी पहली फिल्म के विपरीत जो एक आकर्षक नाटक में लिपटे कुछ चतुर आश्चर्यों के कारण फिर से देखने लायक है। ये संदिग्ध है कि क्या निर्देशक की दूसरी फिल्म ऐलान समय की कसौटी पर खरी उतरेगी, क्योंकि ये जोखिम मुक्त और सचेत रूप से परिवार के अनुकूल है। जहां तक ऐलान की अवधारणा का सवाल है, रवि कुमार उच्च लक्ष्य नहीं रख रहे हैं। एक शत्रुतापूर्ण वैज्ञानिक अपने अधीनस्थ के साथ सत्ता का लालची है, क्योंकि ये एक खतरनाक क्रिस्टल के साथ दुनिया के अंत की साजिश रचने की योजना बना रहे हैं। तमीज जो अफसरों की तलाश में एक गांव से चेन्नई आता है, मानव जाति का वाक्य लेकर आता है। मिशन को पूरा करने के लिए वो एक विदेशी आगंतुक के हाथ मिल जाता है और वित्तीय बाधाओं और महामारी से जूझ रहे ऐलान को पुराने फिल्म कहलाने के खतरे का सामना करना पड़ा और फिल्म की शुरुआत आपको ये आभास देती है कि लंबे समय तक निर्माण में अटके फिल्मों में ताजगी की कमी क्यों हो सकती है। तमीज को एक जानवर और प्रकृति प्रेमी के रूप में दिखाया गया है। दृश्य झटके से बदलते हैं और पारंपरिक लेकिन भूले योग्य परिचय गीत फिल्म को नीचे खींचता है, लेकिन फिर एलियन की बदौलत फिल्म फिर से जीवंत हो उठती है जो अविवेचक है और उसमें हास्य की एक मजबूत भावना है। एक मासूम और डरपोक आदमी के साथ एक अलौकिक की अजीब दोस्ती आपको राकेश रोशन की कोई मिल गया का याद दिलाती है। दोनों फिल्म एक अप्रत्याशित सुपरहीरो की उद्भव की गवाह है। पहले भाग में रवि कुमार विज्ञान को हास्य के साथ डिकोड करते हैं। यदि इंद्रो नेत्रो नलाई के पास एक इंजीनियर सह आविष्कारक था जो आवाज पहचानने वाली कार बनाता था, तो ऐलान के पास ऐसे लोग हैं जो अजीब जन्मदिन उपहारों से पैसा कमा रहे हैं। यदि यहाँ इंद्रो नेत्रो नलाई में एक टाइम मशीन गायब हो जाती है तो नायक एक अंतरिक्ष यान की तलाश में निकाल जाता है। दोनों फिल्में संबंधों का व्यवहार समान है जिसमें मजाक या वन लाइनर दृश्यों को आगे बढ़ाते हैं। इंद्रो नेत्रो नलाई में एकल लेकिन दिलचस्प संघर्ष था और इसमें कोई सितारा शामिल नहीं होने के कारण निर्देशक ने साहसी पटकथा निर्णय लिए, लेकिन ऐलान में अपने पास एक स्टार के साथ रवि कुमार का लक्ष्य उसे एक बड़ा खेल का मैदान देना है। भले ही खराब निष्पादन के साथ उन्हें अपने नायक पर उतना ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए था जितना कि उन्होंने अपने मूल कथानक पर किया है। वो उसे बिना किसी दिखावे के खलनायकों के खिलाफ खड़ा करता है, लेकिन फिल्म के अधिकांश भाग में ये जिस चीज में सक्षम होने का दावा करते हैं उसमें हमें कोई खतरा नहीं है। ऐलान भी प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन वीएफएक्स ठोस लगता है। हालांकि जब नाटक में आत्मा की कमी हो तो विशेष प्रभाव हमें बांधे रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। जब ये एक साथ होते हैं तो तमीज और टैटू एक आनंददायक केमिस्ट्री बनाते हैं और कोई भी स्वीट एंड स्लीप स्पीलबर्ग की ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को श्रद्धांजलि के रूप में रिश्ते को खिलते हुए देखना चाहता है। आप चाहते हैं कि निर्देशक उनके इर्द गिर्द पटकथा बुने, लेकिन रवि कुमार उनकी यात्राओं को अलग अलग चित्रित करते हैं और हमें उन दोनों को समान रूप से समझाने में विफल रहते हैं। शिव कार्तिकेयन एक और फिल्म में ईमानदार है जो एक स्टार प्रोजेक्ट के लीक से हटकर लगती है। एक्शन दमदार है, फिर भी ड्रामा डरावना नहीं है और एमी एडम्स स्टारर अराइवल की तरह आपको किनारे पर नहीं रखता है। आपको ये भी एहसास होता है कि निर्देशक नाटक के बीच कुछ नैतिक बातें कहना चाहता है क्योंकि एलियन मानवता से एक साथ रहने के लिए कहता है। अनंत आज की निरंतर कल्पना के युग में ऐलान की दुनिया बहुत ही सरल लग सकती है। एक दशक पहले पन पे एक संदेश के साथ एक विज्ञान फाई फिल्म से निपटने के दौरान सीधा टेम्पलेट शायद एंथेरन जैसी फिल्मों द्वारा प्रेरित किया गया था। रोबोट चिट्टी की तरह टैटू भी मासूम है और इंसानों पर भरोसा करते करते थक गया है। ऐलान में एक अग्नि दुर्घटना दृश्य है जो आपको रजनीकांत अभिनीत फिल्म की याद दिलाता है। शंकर की फिल्म अच्छी तरह से विकसित और बेहतर थी, जैसा कि कहा गया है, ठीक उसी तरह से जैसे उस फिल्म को बच्चों से बहुत प्यार मिला था। ऐलान को भी उम्मीद होगी कि इसे युवा दर्शकों का ध्यान मिलेगा जो बड़े पर्दे पर नैतिकता और वीरता को देखने का आनंद लेते हैं। कैप्टन मिलार से लेकर ऐलान तक बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, अब रिलीज होंगी ओटीटी पर। पर्दे पर धमाल मचाने के बाद फिल्में जल्द से जल्द अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने लगी है। यहाँ से भी इनकी तगड़ी कमाई होती है। इस फरवरी भी कई साउथ इंडियन फिल्में ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। चलिए जानते हैं कि साउथ की कुछ बेस्ट फिल्मों के बारे में जिन्हें दर्शक इस महीने घर बैठे आराम से ओटीटी पर देख पाएंगे। संदप सुपरस्टार वेंकटेश की ये फिल्म 2 फरवरी को रिलीज होगी। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर्या, श्रद्धा श्रीनाथ जैसे स्टार्स हैं। इसे आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। गुंटर करम साउथ इंडियन स्टार महेश बाबू की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर आ रही है। त्रिविक्रम श्रीनिवास की मूवी में राम्या कृष्णन, श्रीलीला जयराम, जगपति बाबू, प्रकाश राज जैसे स्टार है। ये 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। कैप्टन मिलार। साउथ के सुपरस्टार धनुष की ये मूवी दर्शकों को खूब पसंद आई है। इसमें शिवा राजकुमार, प्रियंका मोहन, अदिति बालन जैसे स्टार्स थे। अरुणा माथेश्वरन की ये मूवी फरवरी के लास्ट में ओटीटी पर आ सकती है। हनुमान बड़े पर्दे पर हुंकार भरे के बाद अब हनुमान ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए की कमाई की थी। Z5 ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हैं। फरवरी के अंत में ये भी उनकी ऐप पर रिलीज हो जाएगी। आयालान। साउथ के मशहूर डायरेक्टर आर राजकुमार ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन और कुलप्रीत लीड रोल प्ले कर रहे हैं। 16 फरवरी को इस मूवी को ओटीटी पर रिलीज कर दिया जाएगा। शिव कार्तिकेयन ने एक आसमानी एलियन के साथ बनाई मजेदार केमिस्ट्री। जाने कैसी है फिल्म ऐलान। अपनी पहली फिल्म इंदु ने तिरुन्नालाई के 8 साल बाद निर्देशकार रवि कुमार की ताकत वैसे ही बनी हुई है। वो एक भारी विषय के हल्के फुल्के उपचार में आनंदित होता है, लेकिन उनकी पहली फिल्म के विपरीत जो एक आकर्षक नाटक में लिपटे कुछ चतुर आश्चर्यों के कारण फिर से देखने लायक है। ये संदिग्ध है कि क्या निर्देशक की दूसरी फिल्म ऐलान समय की कसौटी पर खरी उतरेगी, क्योंकि ये जोखिम मुक्त और सचेत रूप से परिवार के अनुकूल है। जहां तक ऐलान की अवधारणा का सवाल है, रवि कुमार उच्च लक्ष्य नहीं रख रहे हैं। एक शत्रुतापूर्ण वैज्ञानिक अपने अधीनस्थ के साथ सत्ता का लालची है, क्योंकि ये एक खतरनाक क्रिस्टल के साथ दुनिया के अंत की साजिश रचने की योजना बना रहे हैं। तमीज, जो अफसरों की तलाश में एक गांव से चेन्नई आता है, मानव जाति का वाक्य लेकर आता है। मिशन को पूरा करने के लिए वो एक विदेशी आगंतुक के हाथ मिल जाता है और वित्तीय बाधाओं और महामारी से जूझ रहे ऐलान को पुराने फिल्म कहलाने के खतरे का सामना करना पड़ा। और फिल्म की शुरुआत आपको ये आभास देती है कि लंबे समय तक निर्माण में अटके फिल्मों में ताजगी की कमी क्यों हो सकती है। तमीज को एक जानवर और प्रकृति प्रेमी के रूप में दिखाया गया है। दृश्य झटके से बदलते हैं और पारंपरिक लेकिन भूले योग्य परिचय गीत फिल्म को नीचे खींचता है, लेकिन फिर एलियन की बदौलत फिल्म फिर से जीवंत हो उठती है, जो अविवेचक है और उसमें हास्य की एक मजबूत भावना है। एक मासूम और डरपोक आदमी के साथ एक अलौकिक की अजीब दोस्ती आपको राकेश रोशन की कोई मिल गया का याद दिलाती है। दोनों फिल्म एक अप्रत्याशित सुपरहीरो की उद्भव की गवाह है। पहले भाग में रवि कुमार विज्ञान को हास्य के साथ डिकोड करते हैं। यदि इंद्रो ने तिरुनालाई के पास एक इंजीनियर सह आविष्कारक था जो आवाज पहचानने वाली कार बनाता था, तो ऐलान के पास ऐसे लोग हैं जो अजीब जन्मदिन उपहारों से पैसा कमा रहे हैं। यदि यहाँ इंद्रो ने तिरुनालाई में एक टाइम मशीन गायब हो जाती है, तो नायक एक अंतरिक्ष यान की तलाश में निकाल जाता है। दोनों फिल्में संबंधों का व्यवहार समान है, जिसमें मजाक या वन लाइनर दृश्यों को आगे बढ़ाते हैं। इंद्रो ने तिरुनालाई में एकल लेकिन दिलचस्प संघर्ष था और इसमें कोई सितारा शामिल नहीं होने के कारण निर्देशक ने साहसी पटकथा निर्णय लिए, लेकिन ऐलान में अपने पास एक स्टार के साथ रवि कुमार का लक्ष्य उसे एक बड़ा खेल का मैदान देना है। भले ही खराब निष्पादन के साथ उन्हें अपने नायक पर उतना ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए था जितना कि उन्होंने अपने मूल कथानक पर किया है। वो उसे बिना किसी दिखावे के खलनायकों के खिलाफ खड़ा करता है, लेकिन फिल्म के अधिकांश भाग में ये जिस चीज में सक्षम होने का दावा करते हैं उसमें हमें कोई खतरा नहीं है। ऐलान भी प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन वीएफएक्स ठोस लगता है। हालांकि जब नाटक में आत्मा की कमी हो तो विशेष प्रभाव हमें बांधे रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। जब ये एक साथ होते हैं तो तमीज और टैटू एक आनंददायक केमिस्ट्री बनाते हैं और कोई भी स्वीट एंड स्लीप स्पीलबर्ग की E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को श्रद्धांजलि के रूप में रिश्ते को खिलते हुए देखना चाहता है। आप चाहते हैं कि निर्देशक उनके इर्द गिर्द पटकथा बुने, लेकिन रवि कुमार उनकी यात्राओं को अलग अलग चित्रित करते हैं और हमें उन दोनों को समान रूप से समझाने में विफल रहते हैं। शिव कार्तिकेयन एक और फिल्म में ईमानदार है जो एक स्टार प्रोजेक्ट के लीक से हटकर लगती है। एक्शन दमदार है, फिर भी ड्रामा डरावना नहीं है और एमी एडम्स स्टारर अराइवल की तरह आपको किनारे पर नहीं रखता है। आपको ये भी एहसास होता है कि निर्देशक नाटक के बीच कुछ नैतिक बातें कहना चाहता है, क्योंकि एलियन मानवता से एक साथ रहने के लिए कहता है। अनंत आज की निरंतर कल्पना के युग में ऐलान की दुनिया बहुत ही सरल लग सकती है। एक दशक पहले पन पे एक संदेश के साथ एक विज्ञान फाई फिल्म से निपटने के दौरान सीधा टेम्पलेट शायद एंथेरॉन जैसी फिल्मों द्वारा प्रेरित किया गया था। रोबोट चिट्टी की तरह टैटू भी मासूम है और इंसानों पर भरोसा करते करते थक गया है। ऐलान में एक अग्नि दुर्घटना दृश्य है जो आपको रजनीकांत अभिनीत फिल्म की याद दिलाता है। शंकर की फिल्म अच्छी तरह से विकसित और बेहतर थी, जैसा कि कहा गया है, ठीक उसी तरह से जैसे उस फिल्म को बच्चों से बहुत प्यार मिला था। ऐलान को भी उम्मीद होगी कि इसे युवा दर्शकों का ध्यान मिलेगा जो बड़े पर्दे पर नैतिकता और वीरता को देखने का आनंद लेते हैं। कैप्टन मिलार से लेकर एलन तक बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, अब रिलीज होंगी ओटीटी पर। पर्दे पर धमाल मचाने के बाद फिल्में जल्द से जल्द अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने लगी है। यहाँ से भी इनकी तगड़ी कमाई होती है। इस फरवरी भी कई साउथ इंडियन फिल्में ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। चलिए जानते हैं कि साउथ की कुछ बेस्ट फिल्मों के बारे में जिन्हें दर्शक इस महीने घर बैठे आराम से ओटीटी पर देख पाएंगे। संदप सुपरस्टार वेंकटेश की ये फिल्म 2 फरवरी को रिलीज होगी। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर्या, श्रद्धा श्रीनाथ जैसे स्टार्स हैं। इसे आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। गुंटर करम साउथ इंडियन स्टार महेश बाबू की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर आ रही है। त्रिविक्रम श्रीनिवास की मूवी में राम्या कृष्णन, श्रीलीला जयराम, जगपति बाबू, प्रकाश राज जैसे स्टार है। ये 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। कैप्टन मिलार साउथ के सुपरस्टार धनुष की ये मूवी दर्शकों को खूब पसंद आई है। इसमें शिवा राजकुमार, प्रियंका मोहन, अदिति बालन जैसे स्टार्स थे। अरुणा माथेश्वरन की ये मूवी फरवरी के लास्ट में ओटीटी पर आ सकती है। हनुमान बड़े पर्दे पर हुंकार भरने के बाद अब हनुमान ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए की कमाई की थी। Z5 ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हैं। फरवरी के अंत में ये भी उनकी ऐप पर रिलीज हो जाएगी। आयालान साउथ के मशहूर डायरेक्टर आर राजकुमार ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन और कुलप्रीत लीड रोल प्ले कर रहे हैं। 16 फरवरी को इस मूवी को ओटीटी पर रिलीज कर दिया जाएगा। शिव कार्तिकेयन ने एक आसमानी एलियन के साथ बनाई मजेदार केमिस्ट्री, जाने कैसी है फिल्म। ऐलान अपनी पहली फिल्म इंदु नेत्रुनलाय के 8 साल बाद निर्देशकार रवि कुमार की ताकत वैसे ही बनी हुई है। वो एक भारी विषय के हल्के फुल्के उपचार में आनंदित होता है, लेकिन उनकी पहली फिल्म के विपरीत जो एक आकर्षक नाटक में लिपटे कुछ चतुर आश्चर्यों के कारण फिर से देखने लायक है। ये संदिग्ध है कि क्या निर्देशक की दूसरी फिल्म ऐलान समय की कसौटी पर खरी उतरेगी, क्योंकि ये जोखिम मुक्त और सचेत रूप से परिवार के अनुकूल है। जहां तक ऐलान की अवधारणा का सवाल है, रवि कुमार उच्च लक्ष्य नहीं रख रहे हैं। एक शत्रुतापूर्ण वैज्ञानिक अपने अधीनस्थ के साथ सत्ता का लालची है, क्योंकि ये एक खतरनाक क्रिस्टल के साथ दुनिया के अंत की साजिश रचने की योजना बना रहे हैं। तमीज जो अफसरों की तलाश में एक गांव से चेन्नई आता है, मानव जाति का वाक्य लेकर आता है। मिशन को पूरा करने के लिए वो एक विदेशी आगंतुक के हाथ मिल जाता है और वित्तीय बाधाओं और महामारी से जूझ रहे ऐलान को पुरानी फिल्म कहलाने के खतरे का सामना करना पड़ा। और फिल्म की शुरुआत आपको ये आभास देती है कि लंबे समय तक निर्माण में अटके फिल्मों में ताजगी की कमी क्यों हो सकती है। तमीज को एक जानवर और प्रकृति प्रेमी के रूप में दिखाया गया है। दृश्य झटके से बदलते हैं और पारंपरिक लेकिन भूलने योग्य परिचय गीत फिल्म को नीचे खींचता है, लेकिन फिर एलियन की बदौलत फिल्म फिर से जीवंत हो उठती है जो अविवेचक है और उसमें हास्य की एक मजबूत भावना है। एक मासूम और डरपोक आदमी के साथ एक अलौकिक की अजीब दोस्ती आपको राकेश रोशन की कोई मिल गया का याद दिलाती है। दोनों फिल्म एक अप्रत्याशित सुपरहीरो की उद्भव की गवाह है। पहले भाग में रवि कुमार विज्ञान को हास्य के साथ डिकोड करते हैं। यदि इंद्रो नेत्रुनलाय के पास एक इंजीनियर सह आविष्कारक था जो आवाज पहचानने वाली कार बनाता था तो एलान के पास ऐसे लोग हैं जो अजीब जन्मदिन उपहारों से पैसा कमा रहे हैं। यदि यहाँ इंद्रोनेत्रनालय में एक टाइम मशीन गायब हो जाती है तो नायक एक अंतरिक्ष यान की तलाश में निकाल जाता है। दोनों फिल्में संबंधों का व्यवहार समान है जिसमें मजाक या वन लाइनर दृश्यों को आगे बढ़ाते हैं। इंद्रोनेत्रनालय में एक एकल लेकिन दिलचस्प संघर्ष था और इसमें कोई सितारा शामिल नहीं होने के कारण निर्देशक ने साहसी पटकथा निर्णय लिए, लेकिन ऐलान में अपने पास एक स्टार के साथ रवि कुमार का लक्ष्य उसे एक बड़ा खेल का मैदान देना है। भले ही खराब निष्पादन के साथ उन्हें अपने नायक पर उतना ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए था जितना कि उन्होंने अपने मूल कथानक पर किया है। वो उसे बिना किसी दिखावे के खलनायकों के खिलाफ खड़ा करता है, लेकिन फिल्म के अधिकांश भाग में ये जिस चीज में सक्षम होने का दावा करते हैं उसमें हमें कोई खतरा नहीं है। ऐलान भी प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन वीएफएक्स ठोस लगता है। हालांकि जब नाटक में आत्मा की कमी हो तो विशेष प्रभाव हमें बांधे रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। जब ये एक साथ होते हैं तो तमीज और टैटू एक आनंददायक केमिस्ट्री बनाते हैं और कोई भी स्वीट एंड स्लीप स्पीलबर्ग की ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को श्रद्धांजलि के रूप में रिश्ते को खिलते हुए देखना चाहता है। आप चाहते हैं कि निर्देशक उनके इर्द गिर्द पटकथा बुने, लेकिन रवि कुमार उनकी यात्राओं को अलग अलग चित्रित करते हैं और हमें उन दोनों को समान रूप से समझाने में विफल रहते हैं। शिव कार्तिकेयन एक और फिल्म में ईमानदार है जो एक स्टार प्रोजेक्ट के लीक से हटकर लगती है। एक्शन दमदार है, फिर भी ड्रामा डरावना नहीं है और एमी एडम्स स्टारर अराइवल की तरह आपको किनारे पर नहीं रखता है। आपको ये भी एहसास होता है कि निर्देशक नाटक के बीच कुछ नैतिक बातें कहना चाहता है, क्योंकि एलियन मानवता से एक साथ रहने के लिए कहता है। अनंततः आज की निरंतर कल्पना के युग में ऐलान की दुनिया बहुत ही सरल लग सकती है। एक दशक पहले पन पे एक संदेश के साथ एक विज्ञान फाई फिल्म से निपटने के दौरान सीधा टेम्पलेट शायद एंथेरॉन जैसी फिल्मों द्वारा प्रेरित किया गया था। रोबोट चिट्टी की तरह टैटू भी मासूम है और इंसानों पर भरोसा करते करते थक गया है। ऐलान में एक अग्नि दुर्घटना दृश्य है जो आपको रजनीकांत अभिनीत फिल्म की याद दिलाता है। शंकर की फिल्म अच्छी तरह से विकसित और बेहतर थी, जैसा कि कहा गया है, ठीक उसी तरह से जैसे उस फिल्म को बच्चों से बहुत प्यार मिला था। ऐलान को भी उम्मीद होगी कि इसे युवा दर्शकों का ध्यान मिलेगा जो बड़े पर्दे पर नैतिकता और वीरता को देखने का आनंद लेते हैं। कैप्टन मिलार से लेकर ऐलान तक बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर। अब रिलीज होंगी ओटीटी पर। पर्दे पर धमाल मचाने के बाद फिल्में जल्द से जल्द अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने लगी है। यहाँ से भी इनकी तगड़ी कमाई होती है। इस फरवरी भी कई साउथ इंडियन फिल्में ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। चलिए जानते हैं कि साउथ की कुछ बेस्ट फिल्मों के बारे में जिन्हें दर्शक इस महीने घर बैठे आराम से ओटीटी पर देख पाएंगे। संदर्भ सुपरस्टार वेंकटेश की ये फिल्म 2 फरवरी को रिलीज होगी। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर्या, श्रद्धा श्रीनाथ जैसे स्टार्स हैं। इसे आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। गुंटर करम साउथ इंडियन स्टार महेश बाबू की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर आ रही है। त्रिविक्रम श्रीनिवास की मूवी में राम्या कृष्णन, श्रीलीला जयराम, जगपति बाबू, प्रकाश राज जैसे स्टार है। ये 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। कैप्टन मिलार साउथ के सुपरस्टार धनुष की ये मूवी दर्शकों को खूब पसंद आई है। इसमें शिवा राजकुमार, प्रियंका मोहन, अदिति बालन जैसे स्टार्स थे। अरुणा माथेश्वरन की ये मूवी फरवरी के लास्ट में ओटीटी पर आ सकती है। हनुमान बड़े पर्दे पर हुंकार भरे के बाद अब हनुमान ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए की कमाई की थी। जी5 ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हैं। फरवरी के अंत में ये भी उनकी ऐप पर रिलीज हो जाएगी। ऐलान साउथ के मशहूर डायरेक्टर आर राजकुमार ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन और कुलप्रीत लीड रोल प्ले कर रहे हैं। 16 फरवरी को इस मूवी को ओटीटी पर रिलीज कर दिया जाएगा। शिव कार्तिकेयन ने एक आसमानी एलियन के साथ बनाई मजेदार केमिस्ट्री। जाने कैसी है फिल्म ऐलान। अपनी पहली फिल्म इंद्रोनेत्रनालय के 8 साल बाद निर्देशकार रवि कुमार की ताकत वैसे ही बनी हुई है, वो एक भारी विषय के हल्के फुल्के उपचार में आनंदित होता है, लेकिन उनकी पहली फिल्म के विपरीत जो एक आकर्षक नाटक में लिपटे कुछ चतुर आश्चर्यों के कारण फिर से देखने लायक है। ये संदिग्ध है कि क्या निर्देशक की दूसरी फिल्म ऐलान समय की कसौटी पर खड़ी उतरेगी, क्योंकि ये जोखिम मुक्त और सचेत रूप से परिवार के अनुकूल है। जहां तक ऐलान की अवधारणा का सवाल है, रवि कुमार उच्च लक्ष्य नहीं रख रहे हैं। एक शत्रुतापूर्ण वैज्ञानिक अपने अधीनस्थ के साथ सत्ता का लालची है, क्योंकि ये एक खतरनाक क्रिस्टल के साथ दुनिया के अंत की साजिश रचने की योजना बना रहे हैं। तमीज जो अफसरों की तलाश में एक गांव से चेन्नई आता है, मानव जाति का वाक्य लेकर आता है। मिशन को पूरा करने के लिए वो एक विदेशी आगंतुक के हाथ मिल जाता है और वित्तीय बाधाओं और महामारी से जूझ रहे ऐलान को पुरानी फिल्म कहलाने के खतरे का सामना करना पड़ा। और फिल्म की शुरुआत आपको ये आभास देती है कि लंबे समय तक निर्माण में अटके फिल्मों में ताजगी की कमी क्यों हो सकती है। तमीज को एक जानवर और प्रकृति प्रेमी के रूप में दिखाया गया है। दृश्य झटके से बदलते हैं और पारंपरिक लेकिन भूले योग्य परिचय गीत फिल्म को नीचे खींचता है, लेकिन फिर एलियन की बदौलत फिल्म फिर से जीवंत हो उठती है जो अविवेचक है और उसमें हास्य की एक मजबूत भावना है। एक मासूम और डरपोक आदमी के साथ एक अलौकिक की अजीब दोस्ती आपको राकेश रोशन की कोई मिल गया का याद दिलाती है। दोनों फिल्में एक अप्रत्याशित सुपरहीरो की उद्भव की गवाह है। पहले भाग में रवि कुमार विज्ञान को हास्य के साथ डिकोड करते हैं। यदि इंद्रो नेत्रू नलाई के पास एक इंजीनियर सह आविष्कारक था जो आवाज पहचानने वाली कार बनाता था, तो ऐलान के पास ऐसे लोग हैं जो अजीब जन्मदिन उपहारों से पैसा कमा रहे हैं। यदि यहाँ इंद्रो नेत्रू नलाई में एक टाइम मशीन गायब हो जाती है, तो नायक एक अंतरिक्ष यान की तलाश में निकाल जाता है। दोनों फिल्में संबंधों का व्यवहार समान है, जिसमें मजाक या वन लाइनर दृश्यों को आगे बढ़ाते हैं। इंद्रो नेत्रू नलाई में एकल लेकिन दिलचस्प संघर्ष था और इसमें कोई सितारा शामिल नहीं होने के कारण निर्देशक ने साहसी पटकथा निर्णय लिए, लेकिन ऐलान में अपने पास एक स्टार के साथ रवि कुमार का लक्ष्य उसे एक बड़ा खेल का मैदान देना है। भले ही खराब निष्पादन के साथ उन्हें अपने नायक पर उतना ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए था जितना कि उन्होंने अपने मूल कथानक पर किया है। वो उसे बिना किसी दिखावे के खलनायकों के खिलाफ खड़ा करता है, लेकिन फिल्म के अधिकांश भाग में ये जिस चीज में सक्षम होने का दावा करते हैं उसमें हमें कोई खतरा नहीं है। ऐलान भी प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन वीएफएक्स ठोस लगता है। हालांकि जब नाटक में आत्मा की कमी हो तो विशेष प्रभाव हमें बांधे रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। जब ये एक साथ होते हैं तो तमीज और टैटू एक आनंददायक केमिस्ट्री बनाते हैं और कोई भी स्वीट एंड स्लीप स्पीलबर्ग की ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को श्रद्धांजलि के रूप में रिश्ते को खिलते हुए देखना चाहता है। आप चाहते हैं कि निर्देशक उनके इर्द गिर्द पटकथा बुने, लेकिन रवि कुमार उनकी यात्राओं को अलग अलग चित्रित करते हैं और हमें उन दोनों को समान रूप से समझाने में विफल रहते हैं। शिव कार्तिकेयन एक और फिल्म में ईमानदार है जो एक स्टार प्रोजेक्ट के लीक से हटकर लगती है। एक्शन दमदार है, फिर भी ड्रामा डरावना नहीं है और एमी एडम्स स्टारर अराइवल की तरह आपको किनारे पर नहीं रखता है। आपको ये भी एहसास होता है कि निर्देशक नाटक के बीच कुछ नैतिक बातें कहना चाहता है, क्योंकि एलियन मानवता से एक साथ रहने के लिए कहता है। अनंत आज की निरंतर कल्पना के युग में ऐलान की दुनिया बहुत ही सरल लग सकती है। एक दशक पहले पन पे एक संदेश के साथ एक विज्ञान फाई फिल्म से निपटने के दौरान सीधा टेम्पलेट शायद एंथेरन जैसी फिल्मों द्वारा प्रेरित किया गया था। रोबोट चिट्टी की तरह टैटू भी मासूम है और इंसानों पर भरोसा करते करते थक गया है। ऐलान में एक अग्नि दुर्घटना दृश्य है जो आपको रजनीकांत अभिनीत फिल्म की याद दिलाता है। शंकर की फिल्म अच्छी तरह से विकसित और बेहतर थी, जैसा कि कहा गया है, ठीक उसी तरह से जैसे उस फिल्म को बच्चों से बहुत प्यार मिला था। ऐलान को भी उम्मीद होगी कि इसे युवा दर्शकों का ध्यान मिलेगा जो बड़े पर्दे पर नैतिकता और वीरता को देखने का आनंद लेते हैं। कैप्टन मिलार से लेकर अयालन तक बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर। अब रिलीज होंगी ओटीटी पर। पर्दे पर धमाल मचाने के बाद फिल्में जल्द से जल्द अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने लगी है। यहाँ से भी इनकी तगड़ी कमाई होती है। इस फरवरी भी कई साउथ इंडियन फिल्में ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। चलिए जानते हैं कि साउथ की कुछ बेस्ट फिल्मों के बारे में जिन्हें दर्शक इस महीने घर बैठे आराम से ओटीटी पर देख पाएंगे। संदप सुपरस्टार वेंकटेश की ये फिल्म 2 फरवरी को रिलीज होगी। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर्या, श्रद्धा श्रीनाथ जैसे स्टार्स हैं। इसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। गंटर करम साउथ इंडियन स्टार महेश बाबू की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर आ रही है। त्रिविक्रम श्रीनिवास की मूवी में राम्या कृष्णन, श्रीलीला जयराम, जगपति बाबू, प्रकाश राज जैसे स्टार है। ये 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। कैप्टन मिलार साउथ के सुपरस्टार धनुष की ये मूवी दर्शकों को खूब पसंद आई है। इसमें शिवा राजकुमार, प्रियंका मोहन, अदिति बालन जैसे स्टार्स थे। अरुणा माथेश्वरन की ये मूवी फरवरी के लास्ट में ओटीटी पर आ सकती है। हनुमान बड़े पर्दे पर हुंकार भरे के बाद अब हनुमान ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए की कमाई की थी। Z5 ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हैं। फरवरी के अंत में ये भी उनकी ऐप पर रिलीज हो जाएगी। अयालान साउथ के मशहूर डायरेक्टर आर राजकुमार ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन और कुलप्रीत लीड रोल प्ले कर रहे हैं। 16 फरवरी को इस मूवी को ओटीटी पर रिलीज कर दिया जाएगा। शिव कार्तिकेयन ने एक आसमानी एलियन के साथ बनाई मजेदार केमिस्ट्री। जाने कैसी है फिल्म अयालान। अपनी पहली फिल्म इंदु नेत्रुनलाय के 8 साल बाद निर्देशक रवि कुमार की ताकत वैसे ही बनी हुई है। वो एक भारी विषय के हल्के फुल्के उपचार में आनंदित होता है, लेकिन उनकी पहली फिल्म के विपरीत जो एक आकर्षक नाटक में लिपटे कुछ चतुर आश्चर्यों के कारण फिर से देखने लायक है। ये संदिग्ध है कि क्या निर्देशक की दूसरी फिल्म अयालान समय की कसौटी पर खरी उतरेगी, क्योंकि ये जोखिम मुक्त और सचेत रूप से परिवार के अनुकूल है। जहां तक अयालान की अवधारणा का सवाल है, रवि कुमार उच्च लक्ष्य नहीं रख रहे हैं। एक शत्रुतापूर्ण वैज्ञानिक अपने अधीनस्थ के साथ सत्ता का लालची है, क्योंकि ये एक खतरनाक क्रिस्टल के साथ दुनिया के अंत की साजिश रचने की योजना बना रहे हैं। तमीज जो अफसरों की तलाश में एक गांव से चेन्नई आता है, मानव जाति का वाक्य लेकर आता है। मिशन को पूरा करने के लिए वो एक विदेशी आगंतुक के हाथ मिल जाता है और वित्तीय बाधाओं और महामारी से जूझ रहे अयालान को पुराने फिल्म कहलाने के खतरे का सामना करना पड़ा। और फिल्म की शुरुआत आपको ये आभास देती है कि लंबे समय तक निर्माण में अटके फिल्मों में ताजगी की कमी क्यों हो सकती है। तमीज को एक जानवर और प्रकृति प्रेमी के रूप में दिखाया गया है। दृश्य झटके से बदलते हैं और पारंपरिक लेकिन भूलने योग्य परिचय गीत फिल्म को नीचे खींचता है, लेकिन फिर एलियन की बदौलत फिल्म फिर से जीवंत हो उठती है जो अविवेचक है और उसमें हास्य की एक मजबूत भावना है। एक मासूम और डरपोक आदमी के साथ एक अलौकिक की अजीब दोस्ती आपको राकेश रोशन की कोई मिल गया का याद दिलाती है। दोनों फिल्में एक अप्रत्याशित सुपरहीरो की उद्भव की गवाह है। पहले भाग में रवि कुमार विज्ञान को हास्य के साथ डिकोड करते हैं। यदि इंद्रो नेत्रुनलाय के पास एक इंजीनियर सह आविष्कारक था जो आवाज पहचानने वाली कार बनाता था, तो अयालान के पास ऐसे लोग हैं जो अजीब जन्मदिन उपहारों से पैसा कमा रहे हैं। यदि यहाँ इंद्रो नेत्रुनलाय में एक टाइम मशीन गायब हो जाती है तो नायक एक अंतरिक्ष यान की तलाश में निकाल जाता है। दोनों फिल्में संबंधों का व्यवहार समान है, जिसमें मजाक या वन लाइनर दृश्यों को आगे बढ़ाते हैं। इंद्रो नेत्रुनलाय में एकल लेकिन दिलचस्प संघर्ष था और इसमें कोई सितारा शामिल नहीं होने के कारण निर्देशक ने साहसी पटकथा निर्णय लिए, लेकिन अयालान में अपने पास एक स्टार के साथ रवि कुमार का लक्ष्य उसे एक बड़ा खेल का मैदान देना है। भले ही खराब निष्पादन के साथ उन्हें अपने नायक पर उतना ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए था जितना कि उन्होंने अपने मूल कथानक पर किया है। वो उसे बिना किसी दिखावे के खलनायकों के खिलाफ खड़ा करता है, लेकिन फिल्म के अधिकांश भाग में ये जिस चीज में सक्षम होने का दावा करते हैं उसमें हमें कोई खतरा नहीं है। अयालान भी प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन वीएफएक्स ठोस लगता है। हालांकि जब नाटक में आत्मा की कमी हो तो विशेष प्रभाव हमें बांधे रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। जब ये एक साथ होते हैं तो तमीज और टैटू एक आनंददायक केमिस्ट्री बनाते हैं और कोई भी स्वीट एंड स्लीप स्पीलबर्ग की E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को श्रद्धांजलि के रूप में रिश्ते को खिलते हुए देखना चाहता है। आप चाहते हैं कि निर्देशक उनके इर्द-गिर्द पटकथा बुने, लेकिन रवि कुमार उनकी यात्राओं को अलग अलग चित्रित करते हैं और हमें उन दोनों को समान रूप से समझाने में विफल रहते हैं। शिव कार्तिकेयन एक और फिल्म में ईमानदार है जो एक स्टार प्रोजेक्ट के लीक से हटकर लगती है। एक्शन दमदार है, फिर भी ड्रामा डरावना नहीं है और एमी एडम्स स्टारर अराइवल की तरह आपको किनारे पर नहीं रखता है। आपको ये भी एहसास होता है कि निर्देशक नाटक के बीच कुछ नैतिक बातें कहना चाहता है, क्योंकि एलियन मानवता से एक साथ रहने के लिए कहता है। अनंत आज की निरंतर कल्पना के युग में ऐलान की दुनिया बहुत ही सरल लग सकती है। एक दशक पहले पन पे एक संदेश के साथ एक विज्ञान फाई फिल्म से निपटने के दौरान सीधा टेम्पलेट शायद एंथेरन जैसी फिल्मों द्वारा प्रेरित किया गया था। रोबोट चिट्टी की तरह टैटू भी मासूम है और इंसानों पर भरोसा करते करते थक गया है। ऐलान में एक अग्नि दुर्घटना दृश्य है जो आपको रजनीकांत अभिनीत फिल्म की याद दिलाता है। शंकर की फिल्म अच्छी तरह से विकसित और बेहतर थी, जैसा कि कहा गया है, ठीक उसी तरह से जैसे उस फिल्म को बच्चों से बहुत प्यार मिला था। ऐलान को भी उम्मीद होगी कि इसे युवा दर्शकों का ध्यान मिलेगा जो बड़े पर्दे पर नैतिकता और वीरता को देखने का आनंद लेते हैं। कैप्टन मिलार से लेकर एलन तक बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, अब रिलीज होंगी OTT पर। पर्दे पर धमाल मचाने के बाद फिल्में जल्द से जल्द अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने लगी है। यहाँ से भी इनकी तगड़ी कमाई होती है। इस फरवरी भी कई साउथ इंडियन फिल्में OTT पर दस्तक देने जा रही है। चलिए जानते हैं कि साउथ की कुछ बेस्ट फिल्मों के बारे में जिन्हें दर्शक इस महीने घर बैठे आराम से OTT पर देख पाएंगे। संदप सुपरस्टार वेंकटेश की ये फिल्म 2 फरवरी को रिलीज होगी। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर्या, श्रद्धा श्रीनाथ जैसे स्टार्स हैं। इसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। गंटर करम साउथ इंडियन स्टार महेश बाबू की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब OTT पर आ रही है। त्रिविक्रम श्रीनिवास की मूवी में राम्या कृष्णन, श्रीलीला जयराम, जगपति बाबू, प्रकाश राज जैसे स्टार है। ये 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। कैप्टन मिलार साउथ के सुपरस्टार धनुष की ये मूवी दर्शकों को खूब पसंद आई है। इसमें शिवा राजकुमार, प्रियंका मोहन, अदिति बालन जैसे स्टार्स थे। अरुणा माथेश्वरन की ये मूवी फरवरी के लास्ट में OTT पर आ सकती है। हनुमान बड़े पर्दे पर हुंकार भरे के बाद अब हनुमान OTT पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए की कमाई की थी। Zee5 ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हैं। फरवरी के अंत में ये भी उनकी ऐप पर रिलीज हो जाएगी। आयालान साउथ के मशहूर डायरेक्टर R. राजकुमार ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन और कुलप्रीत लीड रोल प्ले कर रहे हैं। 16 फरवरी को इस मूवी को OTT पर रिलीज कर दिया जाएगा। शिव कार्तिकेयन ने एक आसमानी एलियन के साथ बनाई मजेदार केमिस्ट्री, जाने कैसी है फिल्म ऐलान। अपनी पहली फिल्म इंदु नेत्रुनलाय के 8 साल बाद निर्देशक रवि कुमार की ताकत वैसे ही बनी हुई है। वो एक भारी विषय के हल्के फुल्के उपचार में आनंदित होता है, लेकिन उनकी पहली फिल्म के विपरीत जो एक आकर्षक नाटक में लिपटे कुछ चतुर आश्चर्यों के कारण फिर से देखने लायक है। ये संदिग्ध है कि क्या निर्देशक की दूसरी फिल्म ऐलान समय की कसौटी पर खरी उतरेगी, क्योंकि ये जोखिम मुक्त और सचेत रूप से परिवार के अनुकूल है। जहां तक ऐलान की अवधारणा का सवाल है, रवि कुमार उच्च लक्ष्य नहीं रख रहे हैं। एक शत्रुतापूर्ण वैज्ञानिक अपने अधीनस्थ के साथ सत्ता का लालची है, क्योंकि ये एक खतरनाक क्रिस्टल के साथ दुनिया के अंत की साजिश रचने की योजना बना रहे हैं। तमीज जो अफसरों की तलाश में एक गांव से चेन्नई आता है, मानव जाति का वाक्य लेकर आता है। मिशन को पूरा करने के लिए वो एक विदेशी आगंतुक के हाथ मिल जाता है और वित्तीय बाधाओं और महामारी से जूझ रहे ऐलान को पुराने फिल्म कहलाने के खतरे का सामना करना पड़ा। और फिल्म की शुरुआत आपको ये आभास देती है कि लंबे समय तक निर्माण में अटके फिल्मों में ताजगी की कमी क्यों हो सकती है? तमीज को एक जानवर और प्रकृति प्रेमी के रूप में दिखाया गया है। दृश्य झटके से बदलते हैं और पारंपरिक लेकिन भूले योग्य परिचय गीत फिल्म को नीचे खींचता है, लेकिन फिर एलियन की बदौलत फिल्म फिर से जीवंत हो उठती है जो अविवेचक है और उसमें हास्य की एक मजबूत भावना है। एक मासूम और डरपोक आदमी के साथ एक अलौकिक की अजीब दोस्ती आपको राकेश रोशन की कोई मिल गया का याद दिलाती है। दोनों फिल्म एक अप्रत्याशित सुपरहीरो की उद्भव की गवाह है। पहले भाग में रवि कुमार विज्ञान को हास्य के साथ डिकोड करते हैं। यदि इंद्रो ने तिरुनालाई के पास एक इंजीनियर सह आविष्कारक था जो आवाज पहचानने वाली कार बनाता था, तो एलान के पास ऐसे लोग हैं जो अजीब जन्मदिन उपहारों से पैसा कमा रहे हैं। यदि यहाँ इंद्रो ने तिरुनालाई में एक टाइम मशीन गायब हो जाती है तो नायक एक अंतरिक्ष यान की तलाश में निकाल जाता है। दोनों फिल्में संबंधों का व्यवहार समान है जिसमें मजाक या वन लाइनर दृश्यों को आगे बढ़ाते हैं। इंद्रो ने तिरुनालाई में एकल लेकिन दिलचस्प संघर्ष था और इसमें कोई सितारा शामिल नहीं होने के कारण निर्देशक ने साहसी पटकथा निर्णय लिए, लेकिन ऐलान में अपने पास एक स्टार के साथ रवि कुमार का लक्ष्य उसे एक बड़ा खेल का मैदान देना है। भले ही खराब निष्पादन के साथ उन्हें अपने नायक पर उतना ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए था जितना कि उन्होंने अपने मूल कथानक पर किया है। वो उसे बिना किसी दिखावे के खलनायकों के खिलाफ खड़ा करता है, लेकिन फिल्म के अधिकांश भाग में ये जिस चीज में सक्षम होने का दावा करते हैं उसमें हमें कोई खतरा नहीं है। ऐलान भी प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन वीएफएक्स ठोस लगता है। हालांकि जब नाटक में आत्मा की कमी हो तो विशेष प्रभाव हमें बांधे रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। जब ये एक साथ होते हैं तो तमीज और टैटू एक आनंददायक केमिस्ट्री बनाते हैं और कोई भी स्वीट एंड स्लीप स्पीलबर्ग की E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को श्रद्धांजलि के रूप में रिश्ते को खिलते हुए देखना चाहता है। आप चाहते हैं कि निर्देशक उनके इर्द गिर्द पटकथा बुने, लेकिन रवि कुमार उनकी यात्राओं को अलग अलग चित्रित करते हैं और हमें उन दोनों को समान रूप से समझाने में विफल रहते हैं। शिव कार्तिकेयन एक और फिल्म में ईमानदार है जो एक स्टार प्रोजेक्ट के लीक से हटकर लगती है। एक्शन दमदार है, फिर भी ड्रामा डरावना नहीं है और एमी एडम्स स्टारर अराइवल की तरह आपको किनारे पर नहीं रखता है। आपको ये भी एहसास होता है कि निर्देशक नाटक के बीच कुछ नैतिक बातें कहना चाहता है क्योंकि एलियन मानवता से एक साथ रहने के लिए कहता है। अनंत आज की निरंतर कल्पना के युग में ऐलान की दुनिया बहुत ही सरल लग सकती है। एक दशक पहले पन पे एक संदेश के साथ एक विज्ञान फाई फिल्म से निपटने के दौरान सीधा टेम्पलेट शायद एंथेरन जैसी फिल्मों द्वारा प्रेरित किया गया था। रोबोट चिट्टी की तरह टैटू भी मासूम है और इंसानों पर भरोसा करते करते थक गया है। ऐलान में एक अग्नि दुर्घटना दृश्य है जो आपको रजनीकांत अभिनीत फिल्म की याद दिलाता है। शंकर की फिल्म अच्छी तरह से विकसित और बेहतर थी, जैसा कि कहा गया है, ठीक उसी तरह से जैसे उस फिल्म को बच्चों से बहुत प्यार मिला था। ऐलान को भी उम्मीद होगी कि इसे युवा दर्शकों का ध्यान मिलेगा जो बड़े पर्दे पर नैतिकता और वीरता को देखने का आनंद लेते हैं। कैप्टन मिलार से लेकर एलन तक बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, अब रिलीज होंगी OTT पर। पर्दे पर धमाल मचाने के बाद फिल्में जल्द से जल्द अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने लगी है। यहाँ से भी इनकी तगड़ी कमाई होती है। इस फरवरी भी कई साउथ इंडियन फिल्में OTT पर दस्तक देने जा रही है। चलिए जानते हैं कि साउथ की कुछ बेस्ट फिल्मों के बारे में जिन्हें दर्शक इस महीने घर बैठे आराम से OTT पर देख पाएंगे। संदप सुपरस्टार वेंकटेश की ये फिल्म 2 फरवरी को रिलीज होगी। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर्या, श्रद्धा श्रीनाथ जैसे स्टार्स हैं। इसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। गुंटर करम साउथ इंडियन स्टार महेश बाबू की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब OTT पर आ रही है। त्रिविक्रम श्रीनिवास की मूवी में राम्या कृष्णन, श्रीलीला जयराम, जगपति बाबू, प्रकाश राज जैसे स्टार है। ये 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। कैप्टन मिलार साउथ के सुपरस्टार धनुष की ये मूवी दर्शकों को खूब पसंद आई है। इसमें शिवा राजकुमार, प्रियंका मोहन, अदिति बालन जैसे स्टार्स थे। अरुणा माथेश्वरन की ये मूवी फरवरी के लास्ट में OTT पर आ सकती है। हनुमान बड़े पर्दे पर हुंकार भरे के बाद अब हनुमान OTT पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए की कमाई की थी। Zee5 ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हैं। फरवरी के अंत में ये भी उनकी ऐप पर रिलीज हो जाएगी। आयालान साउथ के मशहूर डायरेक्टर R. राजकुमार ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन और कुलप्रीत लीड रोल प्ले कर रहे हैं। 16 फरवरी को इस मूवी को OTT पर रिलीज कर दिया जाएगा। शिव कार्तिकेयन ने एक आसमानी एलियन के साथ बनाई मजेदार केमिस्ट्री। जाने कैसी है फिल्म ऐलान। अपनी पहली फिल्म इंदु नेत्रुनलाय के 8 साल बाद निर्देशकार रवि कुमार की ताकत वैसे ही बनी हुई है। वो एक भारी विषय के हल्के फुल्के उपचार में आनंदित होता है, लेकिन उनकी पहली फिल्म के विपरीत जो एक आकर्षक नाटक में लिपटे कुछ चतुर आश्चर्यों के कारण फिर से देखने लायक है। ये संदिग्ध है कि क्या निर्देशक की दूसरी फिल्म ऐलान समय की कसौटी पर खरी उतरेगी, क्योंकि ये जोखिम मुक्त और सचेत रूप से परिवार के अनुकूल है। जहां तक ऐलान की अवधारणा का सवाल है, रवि कुमार उच्च लक्ष्य नहीं रख रहे हैं। एक शत्रुतापूर्ण वैज्ञानिक अपने अधीनस्थ के साथ सत्ता का लालची है, क्योंकि ये एक खतरनाक क्रिस्टल के साथ दुनिया के अंत की साजिश रचने की योजना बना रहे हैं। तमीज, जो अफसरों की तलाश में एक गांव से चेन्नई आता है, मानव जाति का वाक्य लेकर आता है। मिशन को पूरा करने के लिए वो एक विदेशी आगंतुक के हाथ मिल जाता है और वित्तीय बाधाओं और महामारी से जूझ रहे ऐलान को पुराने फिल्म कहलाने के खतरे का सामना करना पड़ा। और फिल्म की शुरुआत आपको ये आभास देती है कि लंबे समय तक निर्माण में अटके फिल्मों में ताजगी की कमी क्यों हो सकती है। तमीज को एक जानवर और प्रकृति प्रेमी के रूप में दिखाया गया है। दृश्य झटके से बदलते हैं और पारंपरिक लेकिन भूले योग्य परिचय गीत फिल्म को नीचे खींचता है, लेकिन फिर एलियन की बदौलत फिल्म फिर से जीवंत हो उठती है, जो अविवेचक है और उसमें हास्य की एक मजबूत भावना है। एक मासूम और डरपोक आदमी के साथ एक अलौकिक की अजीब दोस्ती आपको राकेश रोशन की कोई मिल गया का याद दिलाती है। दोनों फिल्म एक अप्रत्याशित सुपरहीरो की उद्भव की गवाह है। पहले भाग में रवि कुमार विज्ञान को हास्य के साथ डिकोड करते हैं। यदि इंद्रो नेत्रुनलाय के पास एक इंजीनियर सह आविष्कारक था जो आवाज पहचानने वाली कार बनाता था, तो ऐलान के पास ऐसे लोग हैं जो अजीब जन्मदिन उपहारों से पैसा कमा रहे हैं। यदि यहाँ इंद्रो नेत्रुनलाय में एक टाइम मशीन गायब हो जाती है, तो नायक एक अंतरिक्ष यान की तलाश में निकाल जाता है। दोनों फिल्में संबंधों का व्यवहार समान है, जिसमें मजाक या वन लाइनर दृश्यों को आगे बढ़ाते हैं। इंद्रो नेत्रुनलाय में एक लेकिन दिलचस्प संघर्ष था और इसमें कोई सितारा शामिल नहीं होने के कारण निर्देशक ने साहसी पटकथा निर्णय लिए, लेकिन ऐलान में अपने पास एक स्टार के साथ रवि कुमार का लक्ष्य उसे एक बड़ा खेल का मैदान देना है। भले ही खराब निष्पादन के साथ उन्हें अपने नायक पर उतना ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए था जितना कि उन्होंने अपने मूल कथानक पर किया है। वो उसे बिना किसी दिखावे के खलनायकों के खिलाफ खड़ा करता है, लेकिन फिल्म के अधिकांश भाग में ये जिस चीज में सक्षम होने का दावा करते हैं उसमें हमें कोई खतरा नहीं है। ऐलान भी प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन वीएफएक्स ठोस लगता है। हालांकि जब नाटक में आत्मा की कमी हो तो विशेष प्रभाव हमें बांधे रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। जब ये एक साथ होते हैं तो तमीज और टैटू एक आनंददायक केमिस्ट्री बनाते हैं और कोई भी स्वीट एंड स्लीप स्पीलबर्ग की E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को श्रद्धांजलि के रूप में रिश्ते को खिलते हुए देखना चाहता है। आप चाहते हैं कि निर्देशक उनके इर्द गिर्द पटकथा बुने, लेकिन रवि कुमार उनकी यात्राओं को अलग अलग चित्रित करते हैं और हमें उन दोनों को समान रूप से समझाने में विफल रहते हैं। शिव कार्तिकेयन एक और फिल्म में ईमानदार है जो एक स्टार प्रोजेक्ट के लीक से हटकर लगती है। एक्शन दमदार है, फिर भी ड्रामा डरावना नहीं है और एमी एडम्स स्टारर अराइवल की तरह आपको किनारे पर नहीं रखता है। आपको ये भी एहसास होता है कि निर्देशक नाटक के बीच कुछ नैतिक बातें कहना चाहता है, क्योंकि एलियन मानवता से एक साथ रहने के लिए कहता है। अनंत आज की निरंतर कल्पना के युग में ऐलान की दुनिया बहुत ही सरल लग सकती है। एक दशक पहले पन पे एक संदेश के साथ एक विज्ञान फाई फिल्म से निपटने के दौरान सीधा टेम्पलेट शायद एंथेरन जैसी फिल्मों द्वारा प्रेरित किया गया था। रोबोट चिट्टी की तरह टैटू भी मासूम है और इंसानों पर भरोसा करते करते थक गया है। ऐलान में एक अग्नि दुर्घटना दृश्य है जो आपको रजनीकांत अभिनीत फिल्म की याद दिलाता है। शंकर की फिल्म अच्छी तरह से विकसित और बेहतर थी, जैसा कि कहा गया है, ठीक उसी तरह से जैसे उस फिल्म को बच्चों से बहुत प्यार मिला था। ऐलान को भी उम्मीद होगी कि इसे युवा दर्शकों का ध्यान मिलेगा जो बड़े पर्दे पर नैतिकता और वीरता को देखने का आनंद लेते हैं। कैप्टन मिलार से लेकर अयालन तक बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, अब रिलीज होंगी ओटीटी पर। पर्दे पर धमाल मचाने के बाद फिल्में जल्द से जल्द अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने लगी है। यहाँ से भी इनकी तगड़ी कमाई होती है। इस फरवरी भी कई साउथ इंडियन फिल्में ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। चलिए जानते हैं कि साउथ की कुछ बेस्ट फिल्मों के बारे में जिन्हें दर्शक इस महीने घर बैठे आराम से ओटीटी पर देख पाएंगे। संदप सुपरस्टार वेंकटेश की ये फिल्म 2 फरवरी को रिलीज होगी। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर्या, श्रद्धा श्रीनाथ जैसे स्टार्स हैं। इसे आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। गुंटर करम साउथ इंडियन स्टार महेश बाबू की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर आ रही है। त्रिविक्रम श्रीनिवास की मूवी में राम्या कृष्णन, श्रीलीला जयराम, जगपति बाबू, प्रकाश राज जैसे स्टार है। ये 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। कैप्टन मिलार साउथ के सुपरस्टार धनुष की ये मूवी दर्शकों को खूब पसंद आई है। इसमें शिवा राजकुमार, प्रियंका मोहन, अदिति बालन जैसे स्टार्स थे। अरुणा माथेश्वरन की ये मूवी फरवरी के लास्ट में ओटीटी पर आ सकती है। हनुमान बड़े पर्दे पर हुंकार भरने के बाद अब हनुमान ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए की कमाई की थी। Z5 ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हैं। फरवरी के अंत में ये भी उनकी ऐप पर रिलीज हो जाएगी। अयालान साउथ के मशहूर डायरेक्टर आर राजकुमार ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन और कुलप्रीत लीड रोल प्ले कर रहे हैं। 16 फरवरी को इस मूवी को ओटीटी पर रिलीज कर दिया जाएगा। शिव कार्तिकेयन ने एक आसमानी एलियन के साथ बनाई मजेदार केमिस्ट्री, जाने कैसी है फिल्म। ऐलान अपनी पहली फिल्म इंदु नेत्रुनलाय के 8 साल बाद निर्देशकार रवि कुमार की ताकत वैसे ही बनी हुई है। वो एक भारी विषय के हल्के फुल्के उपचार में आनंदित होता है, लेकिन उनकी पहली फिल्म के विपरीत जो एक आकर्षक नाटक में लिपटे कुछ चतुर आश्चर्यों के कारण फिर से देखने लायक है। ये संदिग्ध है कि क्या निर्देशक की दूसरी फिल्म ऐलान समय की कसौटी पर खरी उतरेगी, क्योंकि ये जोखिम मुक्त और सचेत रूप से परिवार के अनुकूल है। जहां तक ऐलान की अवधारणा का सवाल है, रवि कुमार उच्च लक्ष्य नहीं रख रहे हैं। एक शत्रुतापूर्ण वैज्ञानिक अपने अधीनस्थ के साथ सत्ता का लालची है, क्योंकि ये एक खतरनाक क्रिस्टल के साथ दुनिया के अंत की साजिश रचने की योजना बना रहे हैं। तमीज जो अफसरों की तलाश में एक गांव से चेन्नई आता है, मानव जाति का वाक्य लेकर आता है। मिशन को पूरा करने के लिए वो एक विदेशी आगंतुक के हाथ मिल जाता है और वित्तीय बाधाओं और महामारी से जूझ रहे ऐलान को पुरानी फिल्म कहलाने के खतरे का सामना करना पड़ा। और फिल्म की शुरुआत आपको ये आभास देती है कि लंबे समय तक निर्माण में अटके फिल्मों में ताजगी की कमी क्यों हो सकती है। तमीज को एक जानवर और प्रकृति प्रेमी के रूप में दिखाया गया है। दृश्य झटके से बदलते हैं और पारंपरिक लेकिन भूलने योग्य परिचय गीत फिल्म को नीचे खींचता है, लेकिन फिर एलियन की बदौलत फिल्म फिर से जीवंत हो उठती है जो अविवेचक है और उसमें हास्य की एक मजबूत भावना है। एक मासूम और डरपोक आदमी के साथ एक अलौकिक की अजीब दोस्ती आपको राकेश रोशन की कोई मिल गया का याद दिलाती है। दोनों फिल्में एक अप्रत्याशित सुपरहीरो की उद्भव की गवाह है। पहले भाग में रवि कुमार विज्ञान को हास्य के साथ डिकोड करते हैं। यदि इंद्रो नेत्रुनलाय के पास एक इंजीनियर सह आविष्कारक था जो आवाज पहचानने वाली कार बनाता था, तो ऐलान के पास ऐसे लोग हैं जो अजीब जन्मदिन उपहारों से पैसा कमा रहे हैं। यदि यहाँ इंद्रो नेत्रुनलाय में एक टाइम मशीन गायब हो जाती है तो नायक एक अंतरिक्ष यान की तलाश में निकाल जाता है। दोनों फिल्में संबंधों का व्यवहार समान है, जिसमें मजाक या वन लाइनर दृश्यों को आगे बढ़ाते हैं। इंद्रोनेत्रो नलाई में एक एकल लेकिन दिलचस्प संघर्ष था और इसमें कोई सितारा शामिल नहीं होने के कारण निर्देशक ने साहसी पटकथा निर्णय लिए, लेकिन ऐलान में अपने पास एक स्टार के साथ रवि कुमार का लक्ष्य उसे एक बड़ा खेल का मैदान देना है। भले ही खराब निष्पादन के साथ उन्हें अपने नायक पर उतना ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए था जितना कि उन्होंने अपने मूल कथानक पर किया है। वो उसे बिना किसी दिखावे के खलनायकों के खिलाफ खड़ा करता है, लेकिन फिल्म के अधिकांश भाग में ये जिस चीज में सक्षम होने का दावा करते हैं उसमें हमें कोई खतरा नहीं है। ऐलान भी प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन वीएफएक्स ठोस लगता है। हालांकि जब नाटक में आत्मा की कमी हो तो विशेष प्रभाव हमें बांधे रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। जब ये एक साथ होते हैं तो तमीज और टैटू एक आनंददायक केमिस्ट्री बनाते हैं और कोई भी स्वीट एंड स्लीप स्पीलबर्ग की ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को श्रद्धांजलि के रूप में रिश्ते को खिलते हुए देखना चाहता है। आप चाहते हैं कि निर्देशक उनके इर्द गिर्द पटकथा बुने, लेकिन रवि कुमार उनकी यात्राओं को अलग अलग चित्रित करते हैं और हमें उन दोनों को समान रूप से समझाने में विफल रहते हैं। शिव कार्तिकेयन एक और फिल्म में ईमानदार है जो एक स्टार प्रोजेक्ट के लीक से हटकर लगती है। एक्शन दमदार है, फिर भी ड्रामा डरावना नहीं है और एमी एडम्स स्टारर अराइवल की तरह आपको किनारे पर नहीं रखता है। आपको ये भी एहसास होता है कि निर्देशक नाटक के बीच कुछ नैतिक बातें कहना चाहता है, क्योंकि एलियन मानवता से एक साथ रहने के लिए कहता है। अनंत आज की निरंतर कल्पना के युग में ऐलान की दुनिया बहुत ही सरल लग सकती है। एक दशक पहले पन पे एक संदेश के साथ एक विज्ञान फाई फिल्म से निपटने के दौरान सीधा टेम्पलेट शायद एंथेरॉन जैसी फिल्मों द्वारा प्रेरित किया गया था। रोबोट चिट्टी की तरह टैटू भी मासूम है और इंसानों पर भरोसा करते करते थक गया है। ऐलान में एक अग्नि दुर्घटना दृश्य है जो आपको रजनीकांत अभिनीत फिल्म की याद दिलाता है। शंकर की फिल्म अच्छी तरह से विकसित और बेहतर थी, जैसा कि कहा गया है, ठीक उसी तरह से जैसे उस फिल्म को बच्चों से बहुत प्यार मिला था। ऐलान को भी उम्मीद होगी कि इसे युवा दर्शकों का ध्यान मिलेगा जो बड़े पर्दे पर नैतिकता और वीरता को देखने का आनंद लेते हैं। कैप्टन मिलार से लेकर अयालन तक बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, अब रिलीज होंगी ओटीटी पर। पर्दे पर धमाल मचाने के बाद फिल्में जल्द से जल्द अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने लगी है। यहाँ से भी इनकी तगड़ी कमाई होती है। इस फरवरी भी कई साउथ इंडियन फिल्में ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। चलिए जानते हैं कि साउथ की कुछ बेस्ट फिल्मों के बारे में जिन्हें दर्शक इस महीने घर बैठे आराम से ओटीटी पर देख पाएंगे। संदर्भ सुपरस्टार वेंकटेश की ये फिल्म 2 फरवरी को रिलीज होगी। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर्या, श्रद्धा श्रीनाथ जैसे स्टार्स हैं। इसे आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। गुंटर करम साउथ इंडियन स्टार महेश बाबू की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर आ रही है। त्रिविक्रम श्रीनिवास की मूवी में राम्या कृष्णन, श्रीलीला जयराम, जगपति बाबू, प्रकाश राज जैसे स्टार है। ये 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। कैप्टन मिलार साउथ के सुपरस्टार धनुष की ये मूवी दर्शकों को खूब पसंद आई है। इसमें शिवा राजकुमार, प्रियंका मोहन, अदिति बालन जैसे स्टार्स थे। अरुणा माथेश्वरन की ये मूवी फरवरी के लास्ट में ओटीटी पर आ सकती है। हनुमान बड़े पर्दे पर हुंकार भरे के बाद अब हनुमान ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए की कमाई की थी। जी5 ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हैं। फरवरी के अंत में ये भी उनकी एप पर रिलीज हो जाएगी। अयालान साउथ के मशहूर डायरेक्टर आर राजकुमार ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन और कुलप्रीत लीड रोल प्ले कर रहे हैं। 16 फरवरी को इस मूवी को ओटीटी पर रिलीज कर दिया जाएगा। शिव कार्तिकेयन ने एक आसमानी एलियन के साथ बनाई मजेदार केमिस्ट्री, जाने कैसी है फिल्म। अयालान अपनी पहली फिल्म इंद्रोनेत्रो नलाई के 8 साल बाद निर्देशक रवि कुमार की ताकत वैसे ही बनी हुई है। वो एक भारी विषय के हल्के फुल्के उपचार में आनंदित होता है, लेकिन उनकी पहली फिल्म के विपरीत जो एक आकर्षक नाटक में लिपटे कुछ चतुर आश्चर्यों के कारण फिर से देखने लायक है। ये संदिग्ध है कि क्या निर्देशक की दूसरी फिल्म ऐलान समय की कसौटी पर खरी उतरेगी, क्योंकि ये जोखिम मुक्त और सचेत रूप से परिवार के अनुकूल है। जहां तक ऐलान की अवधारणा का सवाल है। रवि कुमार उच्च लक्ष्य नहीं रख रहे हैं। एक शत्रुतापूर्ण वैज्ञानिक अपने अधीनस्थ के साथ सत्ता का लालची है, क्योंकि ये एक खतरनाक क्रिस्टल के साथ दुनिया के अंत की साजिश रचने की योजना बना रहे हैं। तमीज, जो अफसरों की तलाश में एक गांव से चेन्नई आता है, मानव जाति का वाक्य लेकर आता है। मिशन को पूरा करने के लिए वो एक विदेशी आगंतुक के हाथ मिल जाता है और वित्तीय बाधाओं और महामारी से जूझ रहे ऐलान को पुराने फिल्म कहलाने के खतरे का सामना करना पड़ा। और फिल्म की शुरुआत आपको ये आभास देती है कि लंबे समय तक निर्माण में अटके फिल्मों में ताजगी की कमी क्यों हो सकती है। तमीज को एक जानवर और प्रकृति प्रेमी के रूप में दिखाया गया है। दृश्य झटके से बदलते हैं और पारंपरिक लेकिन भूले यज्ञ परिचय गीत फिल्म को नीचे खींचता है, लेकिन फिर एलियन की बदौलत फिल्म फिर से जीवंत हो उठती है, जो अविवेचक है और उसमें हास्य की एक मजबूत भावना है। एक मासूम और डरपोक आदमी के साथ एक अलौकिक की अजीब दोस्ती आपको राकेश रोशन की कोई मिल गया का याद दिलाती है। दोनों फिल्म एक अप्रत्याशित सुपरहीरो की उद्भव की गवाह है। पहले भाग में रवि कुमार विज्ञान को हास्य के साथ डिकोड करते हैं। यदि इंद्रो नेत्रू नलाई के पास एक इंजीनियर सह आविष्कारक था जो आवाज पहचानने वाली कार बनाता था, तो ऐलान के पास ऐसे लोग हैं जो अजीब जन्मदिन उपहारों से पैसा कमा रहे हैं। यदि यहाँ इंद्रो नेत्रू नलाई में एक टाइम मशीन गायब हो जाती है, तो नायक एक अंतरिक्ष यान की तलाश में निकाल जाता है। दोनों फिल्में संबंधों का व्यवहार समान है, जिसमें मजाक या वन लाइनर दृश्यों को आगे बढ़ाते हैं। इंद्रो नेत्रू नलाई में एकल लेकिन दिलचस्प संघर्ष था और इसमें कोई सितारा शामिल नहीं होने के कारण निर्देशक ने साहसी पटकथा निर्णय लिए, लेकिन ऐलान में अपने पास एक स्टार के साथ रवि कुमार का लक्ष्य उसे एक बड़ा खेल का मैदान देना है। भले ही खराब निष्पादन के साथ उन्हें अपने नायक पर उतना ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए था जितना कि उन्होंने अपने मूल कथानक पर किया है। वो उसे बिना किसी दिखावे के खलनायकों के खिलाफ खड़ा करता है, लेकिन फिल्म के अधिकांश भाग में ये जिस चीज में सक्षम होने का दावा करते हैं उसमें हमें कोई खतरा नहीं है। ऐलान भी प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन वीएफएक्स ठोस लगता है। हालांकि जब नाटक में आत्मा की कमी हो तो विशेष प्रभाव हमें बांधे रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। जब ये एक साथ होते हैं तो तमीज और टैटू एक आनंददायक केमिस्ट्री बनाते हैं और कोई भी स्वीट एंड स्लीप स्पीलबर्ग की ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को श्रद्धांजलि के रूप में रिश्ते को खिलते हुए देखना चाहता है। आप चाहते हैं कि निर्देशक उनके इर्द गिर्द पटकथा बुने, लेकिन रवि कुमार उनकी यात्राओं को अलग अलग चित्रित करते हैं और हमें उन दोनों को समान रूप से समझाने में विफल रहते हैं। शिव कार्तिकेयन एक और फिल्म में ईमानदार है, जो एक स्टार प्रोजेक्ट के लीक से हटकर लगती है। एक्शन दमदार है, फिर भी ड्रामा डरावना नहीं है और एमी एडम्स स्टारर अराइवल की तरह आपको किनारे पर नहीं रखता है। आपको ये भी एहसास होता है कि निर्देशक नाटक के बीच कुछ नैतिक बातें कहना चाहता है, क्योंकि एलियन मानवता से एक साथ रहने के लिए कहता है। अनंत आज की निरंतर कल्पना के युग में ऐलान की दुनिया बहुत ही सरल लग सकती है। एक दशक पहले पन पे एक संदेश के साथ एक विज्ञान फाई फिल्म से निपटने के दौरान सीधा टेम्पलेट शायद एंथेरन जैसी फिल्मों द्वारा प्रेरित किया गया था। रोबोट चिट्टी की तरह टैटू भी मासूम है और इंसानों पर भरोसा करते करते थक गया है। ऐलान में एक अग्नि दुर्घटना दृश्य है जो आपको रजनीकांत अभिनीत फिल्म की याद दिलाता है। शंकर की फिल्म अच्छी तरह से विकसित और बेहतर थी, जैसा कि कहा गया है, ठीक उसी तरह से जैसे उस फिल्म को बच्चों से बहुत प्यार मिला था। ऐलान को भी उम्मीद होगी कि इसे युवा दर्शकों का ध्यान मिलेगा, जो बड़े पर्दे पर नैतिकता और वीरता को देखने का आनंद लेते हैं। कैप्टन मिलार से लेकर ऐलान तक बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर। अब रिलीज होंगी ओटीटी पर। पर्दे पर धमाल मचाने के बाद फिल्में जल्द से जल्द अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने लगी है। यहाँ से भी इनकी तगड़ी कमाई होती है। इस फरवरी भी कई साउथ इंडियन फिल्में ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। चलिए जानते हैं कि साउथ की कुछ बेस्ट फिल्मों के बारे में जिन्हें दर्शक इस महीने घर बैठे आराम से ओटीटी पर देख पाएंगे। संदर्भ सुपरस्टार वेंकटेश की ये फिल्म 2 फरवरी को रिलीज होगी। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर्या, श्रद्धा श्रीनाथ जैसे स्टार्स हैं। इसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। गंटर करम साउथ इंडियन स्टार महेश बाबू की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब OTT पर आ रही है। त्रिविक्रम श्रीनिवास की मूवी में राम्या, कृषांत, श्रीलीला, जयराम, जगपति बाबू, प्रकाश राज जैसे स्टार है। ये 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। कैप्टन मिलार साउथ के सुपरस्टार धनुष की ये मूवी दर्शकों को खूब पसंद आई है। इसमें शिवा राजकुमार, प्रियंका मोहन, अदिति बालन जैसे स्टार्स थे। अरुणा माथेश्वरन की ये मूवी फरवरी के लास्ट में OTT पर आ सकती है। हनुमान बड़े पर्दे पर हुंकार भरे के बाद अब हनुमान OTT पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए की कमाई की थी। Z5 ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हैं। फरवरी के अंत में ये भी उनकी ऐप पर रिलीज हो जाएगी। आयालान साउथ के मशहूर डायरेक्टर R राजकुमार ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन और कुलप्रीत लीड रोल प्ले कर रहे हैं। 16 फरवरी को इस मूवी को OTT पर रिलीज कर दिया जाएगा। शिव कार्तिकेयन ने एक आसमानी एलियन के साथ बनाई मजेदार केमिस्ट्री। जाने कैसी है फिल्म ऐलान। अपनी पहली फिल्म इंदु नेत्रुनलाय के 8 साल बाद निर्देशक रवि कुमार की ताकत वैसे ही बनी हुई है। वो एक भारी विषय के हल्के फुल्के उपचार में आनंदित होता है, लेकिन उनकी पहली फिल्म के विपरीत जो एक आकर्षक नाटक में लिपटे कुछ चतुर आश्चर्यों के कारण फिर से देखने लायक है। ये संदिग्ध है कि क्या निर्देशक की दूसरी फिल्म ऐलान समय की कसौटी पर खरी उतरेगी, क्योंकि ये जोखिम मुक्त और सचेत रूप से परिवार के अनुकूल है। जहां तक ऐलान की अवधारणा का सवाल है, रवि कुमार उच्च लक्ष्य नहीं रख रहे हैं। एक शत्रुतापूर्ण वैज्ञानिक अपने अधीनस्थ के साथ सत्ता का लालची है, क्योंकि ये एक खतरनाक क्रिस्टल के साथ दुनिया के अंत की साजिश रचने की योजना बना रहे हैं। तमीज जो अफसरों की तलाश में एक गांव से चेन्नई आता है, मानव जाति का वाक्य लेकर आता है। मिशन को पूरा करने के लिए वो एक विदेशी आगंतुक के हाथ मिल जाता है और वित्तीय बाधाओं और महामारी से जूझ रहे ऐलान को पुराने फिल्म कहलाने के खतरे का सामना करना पड़ा। और फिल्म की शुरुआत आपको ये आभास देती है कि लंबे समय तक निर्माण में अटके फिल्मों में ताजगी की कमी क्यों हो सकती है। तमीज को एक जानवर और प्रकृति प्रेमी के रूप में दिखाया गया है। दृश्य झटके से बदलते हैं और पारंपरिक लेकिन भूलने योग्य परिचय गीत फिल्म को नीचे खींचता है, लेकिन फिर एलियन की बदौलत फिल्म फिर से जीवंत हो उठती है जो अविवेचक है और उसमें हास्य की एक मजबूत भावना है। एक मासूम और डरपोक आदमी के साथ एक अलौकिक की अजीब दोस्ती आपको राकेश रोशन की कोई मिल गया का याद दिलाती है। दोनों फिल्म एक अप्रत्याशित सुपरहीरो की उद्भव की गवाह है। पहले भाग में रवि कुमार विज्ञान को हास्य के साथ डिकोड करते हैं। यदि इंद्रो नेत्रुनलाय के पास एक इंजीनियर सह आविष्कारक था जो आवाज पहचानने वाली कार बनाता था, तो ऐलान के पास ऐसे लोग हैं जो अजीब जन्मदिन उपहारों से पैसा कमा रहे हैं। यदि यहाँ इंद्रो नेत्रुनलाय में एक टाइम मशीन गायब हो जाती है तो नायक एक अंतरिक्ष यान की तलाश में निकाल जाता है। दोनों फिल्में संबंधों का व्यवहार समान है, जिसमें मजाक या वन लाइनर दृश्यों को आगे बढ़ाते हैं। इंद्रो नेत्रुनलाय में एकल लेकिन दिलचस्प संघर्ष था और इसमें कोई सितारा शामिल नहीं होने के कारण निर्देशक ने साहसी पटकथा निर्णय लिए, लेकिन ऐलान में अपने पास एक स्टार के साथ रवि कुमार का लक्ष्य उसे एक बड़ा खेल का मैदान देना है। भले ही खराब निष्पादन के साथ उन्हें अपने नायक पर उतना ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए था जितना कि उन्होंने अपने मूल कथानक पर किया है। वो उसे बिना किसी दिखावे के खलनायकों के खिलाफ खड़ा करता है, लेकिन फिल्म के अधिकांश भाग में ये जिस चीज में सक्षम होने का दावा करते हैं उसमें हमें कोई खतरा नहीं है। ऐलान भी प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन वीएफएक्स ठोस लगता है। हालांकि जब नाटक में आत्मा की कमी हो तो विशेष प्रभाव हमें बांधे रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। जब ये एक साथ होते हैं तो तमीज और टैटू एक आनंददायक केमिस्ट्री बनाते हैं और कोई भी स्वीट एंड स्लीप स्पीलबर्ग की E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को श्रद्धांजलि के रूप में रिश्ते को खिलते हुए देखना चाहता है। आप चाहते हैं कि निर्देशक उनके इर्द गिर्द पटकथा बुने, लेकिन रवि कुमार उनकी यात्राओं को अलग अलग चित्रित करते हैं और हमें उन दोनों को समान रूप से समझाने में विफल रहते हैं। शिव कार्तिकेयन एक और फिल्म में ईमानदार है जो एक स्टार प्रोजेक्ट के लीक से हटकर लगती है। एक्शन दमदार है, फिर भी ड्रामा डरावना नहीं है और एमी एडम्स स्टारर अराइवल की तरह आपको किनारे पर नहीं रखता है। आपको ये भी एहसास होता है कि निर्देशक नाटक के बीच कुछ नैतिक बातें कहना चाहता है, क्योंकि एलियन मानवता से एक साथ रहने के लिए कहता है। अनंत आज की निरंतर कल्पना के युग में ऐलान की दुनिया बहुत ही सरल लग सकती है। एक दशक पहले पन पे एक संदेश के साथ एक विज्ञान फाई फिल्म से निपटने के दौरान सीधा टेम्पलेट शायद एंथेरन जैसी फिल्मों द्वारा प्रेरित किया गया था। रोबोट चिट्टी की तरह टैटू भी मासूम है और इंसानों पर भरोसा करते करते थक गया है। ऐलान में एक अग्नि दुर्घटना दृश्य है जो आपको रजनीकांत अभिनीत फिल्म की याद दिलाता है। शंकर की फिल्म अच्छी तरह से विकसित और बेहतर थी, जैसा कि कहा गया है, ठीक उसी तरह से जैसे उस फिल्म को बच्चों से बहुत प्यार मिला था। ऐलान को भी उम्मीद होगी कि इसे युवा दर्शकों का ध्यान मिलेगा जो बड़े पर्दे पर नैतिकता और वीरता को देखने का आनंद लेते हैं।